मेरा सर फट गया, मुझे कोई बचा, बचाओ मुझे, मुझे कोई हॉस्पिटल ले जाओ, कैसे हुई तो मुझे बचाओ। लगता है कुछ हुआ है, रुक रुक। इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं तुझमें? ये बेचारा यहाँ मर रहा है और तू वीडियो बना रहा है। ए, मैं अकेला बना रहा हूँ क्या? यहाँ पर तो सभी लोग बना रहे हैं। अरे तुम लोगों में दिमाग है कि नहीं? ये बेचारा यहाँ मर रहा है और तुम लोग वीडियो निकाल रहे हो। ए, उठा इसे, चल। ए, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, रुको रुको, पीछे डाल। हेलो, ये सब क्या है? इसकी जान बचाना जरूरी है, तुम टाइम वेस्ट मत करो, हॉस्पिटल चलो, अब चलो। पेशेंट के साथ कौन है? मैं हूँ, ये है, वो नहीं है। पेशेंट की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, हमें अभी ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। मेरा बी पॉजिटिव है। मेरा ए पॉजिटिव। हे, गुड, दैट्स फाइन। ए, नो नो डार्लिंग, कुछ नहीं होगा, no! मैं हूँ ना, कम। ए, ए, मेरा हाथ छोड़ो, जस्ट लीव मी। डोंट वरी, तुम्हारे लिए दो ग्लास अनार का जूस लाया हूँ। ब्लड देने के बाद इसे पी लेना, जितना खून गया उससे डबल आ जाएगा, समझी डार्लिंग? थैंक्स, इतनी तो इंसानियत है तुम में। अरे इंसानियत नहीं, डर है। डर? जब मैं खा रहा था तुम घूर घूर के देख रही थी, कहीं पेट खराब हो गया तो? यही है, इन्होंने ही आपके घायल बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया, और तो और उसे खून देकर उसकी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। क्या कर रहे हो आप लोग? मैडम, आपने सिर्फ एक जान नहीं बचाई बल्कि चार जानें बचाई हैं। हमारे घर की पूरी जिम्मेदारी हमारे बेटे पर है। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे मैडम, पूरी जिंदगी निकल जाए फिर भी इसे चुका नहीं पाएंगे। अरे रे, नहीं मैडम, आपने जो एहसान किया है वो ही काफी है। अरे ले लीजिए, जब बड़े लोग देते हैं तो ना नहीं करते। रखिए इसे, जाइए, आपका बेटा वहां है, जाइए। गुड, वेरी गुड। मुझे पता था तुम अच्छी लड़की हो, बस माँ ने तुम पर ध्यान नहीं दिया होगा, पर तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? किस लिए? कुछ नहीं, वो अगर किसी और को खून की जरूरत हो तो फोन कर लूंगा। अरे 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 अरे, बेटे को डिग्री खत्म किए हुए 3 साल हो चुके हैं, सारा दिन निकम्मों की तरह घूमता रहता है, उसके लिए कुछ काम वगैरह ढूंढो। उसके बाप हो, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या तुम्हारी? अरे आपको कुछ शर्म नहीं आती क्या? मेरी माँ मुझे काम पर जा कहकर बैंगलोर काम पर जाने के लिए कहती थी, और मुझे यहाँ तेरे से डांट खाने का काम मिला है। अरे मम्मी, हाय डैडी, हाय हाय डैडी, डैडी सिर्फ इसके हैं। अरे इसकी तरह ये सब भी हमारे ही बच्चे हैं। अरे उस दिन तो कहा था दोस्त है, मतलब दोस्त थी लेकिन बच्चों की तरह। रहने दो रहने दो। मम्मी बहुत भूख लग रही है, तुमने खाना मेरे लिए बनाया है पर मेरे दोस्तों के लिए डोसा बनाया।
अरे तुमने कौन सा तीर मारा है जो मैं तुम्हें खाना दूं? देश और समाज को सही दिशा में लेके जा रहे हैं हम लोग, भलाई का काम कर रहे हैं। अच्छा, समाज सेवा, ऐसा था तो वहीं पर खा लेते ना तुम लोग जहाँ तुम समाज सेवा करते हो। हमसे किसी ने कहा कि हेल्थ बहुत जरूरी है, होटल का खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए ये अपने घर ले आया। अरे इसके डैडी इसे तो कुछ कहते नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। तुम्हें भी कोई बताने वाला नहीं है क्या? हाँ हेलो, क्या है? हाँ आता हूँ। हाँ एक हफ्ता हो गया है। क्या अभी बिजी हूँ, रखो। कौन था? मेरे डैडी, वो कह रहे थे कि मैं जब भी घर आता हूँ तो देखता हूँ कि तू रोज लेट घर आता है। अब बताओ, जब मैं घर जाता हूँ तो उनको घर पे रहना चाहिए ना, है ना? इन लोगों के साथ रहेगा तो इसे भी कभी समझदारी नहीं आएगी। देखिए मम्मी जी, आप ऐसी बातें मत करिए, ये हमारे साथ रहता है, इसको कोई तकलीफ नहीं है। जब हमारे घर में आता है तो घर वाले बोलते हैं किस पागल के साथ घूमते हो। बताओ अब हम क्या करें? मम्मी, मैं इसे देख लूंगा, कुछ कहना है तो मुझे कहो, लेकिन मेरे दोस्तों को कुछ मत कहना। एक बात याद रखना, इस जमाने में हम लोग इतने फ्रीडम से घूम रहे हैं और आप चिल्लाती हैं कि हम काम नहीं करते, लेकिन जो फ्रीडम है वो उन लोगों से ही मिला है तुम लोगों को, ब्रिटिशर्स जैसे सिंसियर काम करने वालों से नहीं मिल रहा है। सच बात है। अब उसे क्या हुआ? इतनी बड़ी बात बोल दी तुमने, मेरी आँख नाक कान और मुंह सब जाग गया बॉडी में। आज के बाद मैं कभी जिंदगी में काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। तुम जाओ बाहर, होटल से कुछ खा कर आओ। जाओ, ये लो डैडी। नहीं चाहिए। हे भगवान, मेरा बेटा बिगड़ना चाहिए, इसलिए मैं उसे मेरी माँ के घर छोड़ के आई थी। लेकिन तुम ही इसके बिना नहीं रह सकते। मुझसे कहते बच्चे को वहाँ छोड़कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है तू। अब जरा देखिए अपने बेटे को, आपकी वजह से कितनी जिंदगी रोशन हो रही है। जी करता है आपका सर फोड़ दूं मैं। अब मैं आपको खाना भी नहीं दूंगी। आप अंदर आइए, मैं देखती हूँ आपको। जाकर खाना पकाओ। पहले इसको ले लेते हैं। सुनो बच्चों, मम्मी ने खाना नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं जो ड्राई फ्रूट्स लेकर आया हूँ उसे खाकर खुश हो जाओ। ये लो। आहा, कितना अच्छा दोस्त है। आज के जमाने में राइस खिलाने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। और तू है कि हमें रोज काजू बादाम खिलाता है ना भाई? ऊपर वाला तुझे और तेरे इस पेट को सलामत रखे। हेलो, ऐसा क्या क्या हुआ बे? अपने गुड्डू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्या? अच्छा, हमारे गुड्डू को किसने अरेस्ट किया? चलो चलकर पूछते हैं, चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। किसने किसने हमारे गुड्डू को अरेस्ट किया है, बोलो? तुमने अरेस्ट किया क्या? चुपचाप इसे छोड़ दो। बदमाश, क्या केस है इनका? जो भी है देख लो। ठीक है सर, औकात के हिसाब से पेश आना चाहिए कभी भी। मार कर गाल सुझा दिया उसने। औकात के बाहर जाओगे तो यही हाल होता है। उन्होंने बिल्कुल सही किया तेरे साथ, अच्छा लग रहा है ना? गुरु, मैंने बोला कि इसे छोड़ दो तो उसने मुझे धो डाला। अब इतना ओवर एक्टिंग करेगा तो धोएंगे ना, है ना? भाई कुछ तो चक्कर चला, प्लीज। अरे बात करने जा रहे हैं ना। सुनिए साहब, नमस्ते। आपने हमारे दोस्त को ऐसे कपड़े उतार कर क्यों खड़ा किया है, बताइए? इसका फोन ले लो। नया सर, इसे जेब में रख लो। चुप हो जा। हम इसके कपड़े क्यों उतारेंगे? हमने इसको पकड़ा तो ये कपड़े उतार कर बैठा था, ऐसे ही उठा कर ले आए। अरे वो नहाने गया था, उसको ऐसे ही उठा कर लेकर आ गए क्या? बेटा तेरी शादी हो गई क्या? शादी से क्या मतलब सर? कपड़े सिर्फ नहाते वक्त उतारते हैं, ये भ्रम में तू जी रहा है, मुझे अभी पता चला। लॉज में उस लड़की के साथ 20-20 मैच खेलने के लिए रेडी हो रहा था, बस खेलने ही वाला था कि हम पहुँच गए। बारिश आने से पहले ही मैच रद्द हो गया। ए गुड्डू, क्या है ये? हम तुम्हें एक इज्जतदार लड़का समझते थे और तू ये सब काम करता, हमने सोचा भी नहीं था। थू है तेरे। ठीक से थूको उसके मुंह पर। हम नहीं छोड़ेंगे सर इसे। थू, तेरी जिंदगी नरक हो जाए, तू खुद को दोस्त बोलता है? आप ही बताइए सर, इसे दम मारने के लिए हम चाहिए, दारू पीने के लिए हम चाहिए, गांव घूमने के लिए हम लोग चाहिए, इसे ये सब करने के लिए हम लोग चाहिए, लेकिन ये सब करने जाएगा तो हमें दर्द नहीं होगा। वेलकम टू चड्डी गैंग। थैंक यू। अरे यार, ये पागल लोग शेर के सामने जाकर उसे लॉलीपॉप खिला रहे हैं। सर, आपने जो किया है वो गलत किया है। भूख लगने पर हम खाना खाते हैं, प्यास लगने पर पानी पीते हैं। ये ऐसा कर रहा है इसका कारण है इसके माँ बाप। इतनी उम्र हो गई है लेकिन अब तक इसकी शादी नहीं करवाई। ए सुन, तेरी शादी नहीं हुई ना, तो क्यों गई थी वहाँ पर? पति बच्चे अच्छी जिंदगी होती तो भला मैं क्यों जाती वहाँ वो काम करने? इन सब को मैं अच्छी तरह से फुल स्टॉप देता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग ऐसे नहीं मिलने चाहिए। मैं इनकी शादी करवाऊंगा। ए, मुझे एक बात बता, मैं इस लड़की से ऐसे कैसे शादी करूं?
ये जो लड़की है ना वो उस टाइप की है। जब तू ये सब करने गया था तब तेरे समझ में नहीं आया, अब ज्यादा दिमाग चल रहा है। अभी तू मंगलसूत्र बांध रहा है कि मैं इसके हाथ से बंधवा दूं। ये ले चल तू ही बांध। ये सब करने गया था तब हमारी याद आई थी, ये मंगलसूत्र बांध और हमें जाने दे। चल पहना रे, बांध। अरे वाह क्या बात, शादी हो। ये ले मेरी तरफ से मुंह दिखाई। मेरा है वो, किसी का भी वो मुंह दिखाई है। ठीक है चलो निकलो। मैंने शादी करवा दी है, अब कोई होटल में नहीं सीधे घर जाना। गाड़ी रोको जरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये एम्बुलेंस क्यों रोक रखी है? सर इस गाड़ी में कोई पेशेंट नहीं था इसलिए रोका है। बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? सर वो रात में बारिश की वजह से स्कूल की छत गिर गई है। हमने पहले भी जो अधिकारी है उनको लेटर लिखा था लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया सर। सर मीटिंग का टाइम हो गया है। मीटिंग के बारे में मुझे भी पता है, सबसे पहले इनकी अर्जी लेकर स्कूल की छत जल्द से जल्द तैयार हो जानी चाहिए, इसके लिए कुछ करो। जब तक स्कूल की छत नहीं बन जाती है इन बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था कहीं और करो। ये जाकर समझाओ उन्हें, मैंने भी इसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। स्कूल की छत गिर गई है और तुम लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है, इसका मतलब अधिकारी लोग कुछ नहीं कर रहे। उन पर एक्शन लेना पड़ेगा, जल्दी से ऑर्डर तैयार करो। ओके। बच्चों को कुछ नहीं हुआ, ये भगवान की कृपा है। क्यों बेटा तुम स्कूल नहीं जाते क्या? नहीं सर, मेरा पेपर बेचने का काम है। ठीक है मैं तुम्हारा एडमिशन कर दूंगा। पेपर बेचे बिना मैं स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है ये लो पैसे और पेपर मुझे दे दो। मुझे दो बेटा। अभी एडमिशन हो जाएगा ना? हाँ सर। ठीक से पढ़ बेटा, अच्छा होगा तेरा। देखो ये लड़का कौन है इसकी पूछताछ करो और इसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दो। हाँ सर। अरे 500 रुपए। अरे दोस्त आज हम एक हैं, वर्कर्स डे है, कोई बड़ा उत्सव नहीं है, पागल कहीं का। अरे आजा आजा यहाँ, ए झंडा दे ये ले। सुनो दोस्तों आज हम लोग आप लोगों के सामने कुछ जरूरी बात करने आए हैं। नवंबर 1 तारीख को जो करना है वो हम मई 1 तारीख को कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हो ना? नवंबर 1 को ही हम महोत्सव सेलिब्रेट करने वालों में से नहीं है, नहीं है। हम हमारी भाषा को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे, हम उसे बचाने के लिए बोल रहे हैं। कितने बड़े बड़े लोगों ने हमारी भाषा को बढ़ाया है, हमें सिर्फ उसे बचाना है। बिल्कुल देख राजा, सिर्फ नवंबर 1 को इस महोत्सव को सेलिब्रेट करने के अलावा पूरे साल इसे बढ़ाने का काम हम ही करते हैं। वाओ वाह आप ही हो गुरु, असली सच्चे इंसान। जय भुवनेश्वरी। जय डॉक्टर राजकुमार की। जय सास समूह विष्णुवर्धन की। जय स्टार अमृत शाह की। जय यहाँ के लोगों की। जय। अरे सर नमस्ते। नमस्ते। लोग हमारे एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी बात है। सर एक सेल्फी हो जाए सर। हाँ तू मेरा चेहरा छुपा रहा है टीआरपी। बोलो शरण, कैसे हो तुम? सब आपकी दया है मैडम, हम अच्छे हैं, पर आप जितनी जल्दी हमारी फाइल मूव कर देंगी उतना अच्छा होगा। मैंने तुम्हारे काम के लिए कभी मना किया है क्या? लाओ फाइल। थैंक यू मैडम, आपकी दया हमारे ऊपर सदा बनी रहे। चलते हैं मैडम। चलते हैं मैडम। मैडम इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इस समय इस टेंडर को पास करना ठीक नहीं लग रहा है मुझे। जिस समय जो भी काम करना है
वो मुझे अच्छे से पता है। इलेक्शन अब नजदीक है। ओके। मेरी पार्टी को फंड की जरूरत है। जस्ट डू व्हाट आई से। यस मैडम। मैडम, सुबह से बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, पार्टी के ऑफिस में जाना है। मीटिंग के लिए वैसे भी लेट हूँ। इन सबको कल आने के लिए। यस मैडम। तुम सब लोग कल आओ। मैडम आज बिजी है। कल मिलेंगी। डालो, डालो, पानी डालो। परिसर को अच्छा रखो। पेड़ होंगे तो बारिश होगी। बारिश होगी तो अनाज होगा। अनाज होगा तो खाना मिलेगा। So the moral of the story is, परिसर की रक्षा करना हम सबका काम है। हाँ, मेहनत करके बोरवेल से पानी निकाल कर हम लोग डाल रहे हैं। डायलॉग बोलकर बिल्डअप करने ये आ गए। देखो, हाँ, पेड़ों के लिए इतना प्यार। आजकल भी पेड़ों के लिए इतना प्यार है। जो लड़की पेड़ों से इतना प्यार करेगी, वो अपने बच्चों से कितना प्यार करेगी। उसके बेटे का बाप बनना है मुझे। हाँ हाँ, लड़कियाँ जो भी करेंगी वो। समाज सेवा तो ठीक है, मेरा ये सब करने के लिए पब्लिसिटी क्यों चाहिए? ये सब मुँह से नहीं बोलते। दे इधर, चल 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 चल। हाय हाय हाय, तुम किसी राजकुमार की बेटी मालूम होती हो। मेरा नाम है प्रथम। चाहे तुम्हारा नाम जो भी है, ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम्हारे नाम के आगे जो भी नाम है उसे हटाकर मेरा नाम लगा लेना। मतलब आज से तू इसका बाप बन जाएगा क्या? ए, चुप हो जा। बाप नहीं बे, पति। Are you mad? जो समझना है समझ लो। अगर मुझे प्यार हो जाए तो मैं प्रपोज करने के लिए देरी नहीं करता, और इसलिए आजकल लोग मुझे डेस्परेट कहते हैं। बट आई डोंट केयर, आई लव यू एंड यू मस्ट लव मी। किसी फिल्म में हीरो ने हीरोइन को ये बात बोली थी, और मैं उस हीरो का फैन हूँ। वो अपनी फिल्म का हीरो था और मैं अपनी फिल्म का हीरो हूँ। ये मेरा स्टाइल है। कोई तो मेंटल लग रहा है। चलो चलते हैं। अरे ये क्या बोल के चली गई? अरे ये चलना। अरे लेके चली गई यार। देखा तो नहीं। हाँ सीधा ही निकाल ले। बैठ जा, किसी ने देखा नहीं, 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 बैठो। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे पहले देख, सेफ तो है ना? ए, रुक रुक रुक, यहाँ दे पहले। अरे यार कोई नहीं, कोई नहीं, निकाल। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। अपनी तड़प रोक नहीं पा रहा हूँ मैं। चल चल चल, जल्दी मिक्स कर डालना। गिलास इधर ला, इधर ला। जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ थोड़ा और डाल। अरे यार ये प्रथम की वजह से हम लोग इतनी दूर।
40 किलोमीटर दूर डायमंड के स्मगलर के जैसे स्मगलर बन गए हैं इस दारू के चक्कर में। चलो पीते हैं। अरे यार ये प्रथम खुद नहीं पीता है तो मर जाए, लेकिन हमें कहता है कि मैं नहीं पीऊंगा तो तुम लोग भी मत पियो। अरे बॉटल सामने रख के ये सब डिस्कशन की क्या जरूरत है, बॉटल नाराज हो जाएगा ना, पी जल्दी से। एक तो इतना दूर पीने के लिए आए, उसकी भी मिमिक्री कर रहा है। तू था मैं नहीं था। तो क्या फिर मैं था मैं था। अरे मेरे बाप, तू बार में पीने नहीं देता तो हम लोग इतनी दूर भाग करके पीने आए हैं, तू इधर भी आ गया हम लोगों को परेशान करने। अरे अगर मुझे पता होता तुम लोगों को दारू से इतना प्यार है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं पीने देता। सच में? इसके सर की कसम। हाँ। तो पी सकता हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल पियो ना। मेरे भाई तू कितना अच्छा लड़का है, एकदम हीरे जैसा। ये लोग फालतू में तेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं। ए चलो इससे पहले उसका मूड बदल जाए हम लोग पी लेते हैं। अरे यारो तुम लोगों के लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आया हूँ। ड्राई फ्रूट्स? ये लो ये और ये मैच। दे 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 दे। एक 90 मारेंगे तो सब मैच हो जाएगा। चलो प्ले। अबे पागल तूने ये क्या कर दिया, पूरा कर दिया अबे। पहले तू शांत हो जा, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। प्लास्टिक को सरकार ने बैन किया है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्लास्टिक ग्लास में दारू पीने नहीं दूंगा। नहीं तू प्लास्टिक के बॉटल में पानी पी रहा है उसका क्या? शांत हो जा, पानी जान बचाती है इसीलिए पी सकते हैं। ले तू भी पी, प्लास्टिक ग्लास यूज किए बिना तुम पी सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब प्लास्टिक का ग्लास यूज किए बिना हम लोग दारू पी सकते हैं क्या? या श्योर ऑब्वियसली। हे अगर ऐसा है तो हम लोग बॉटल से ही पीते हैं। चलो 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 स्टॉप इट। अब क्या प्रॉब्लम है? शांत हो जा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? गाड़ी से आए। चारों कैसे आए? दो गाड़ियों से आए। दो गाड़ी मतलब एक में दो? मतलब तुम में से दो पियेंगे और दो नहीं। ऐसा क्यों? क्यों मतलब ड्रिंक और ड्राइव ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसका तो कोई रोक लो नहीं। कूल हो जा मैं बात करता हूँ। देखो भाइयों, अभी दो लोगों को गाड़ी चलानी है, इस बार हम दोनों पी लेंगे, तुम दोनों गाड़ी चला लो, अगली बार तुम पीना हम गाड़ी चलाएंगे। ऐसा क्यों होगा, इस बार तुम गाड़ी चलाओ। ऐसा नहीं चलेगा। ए ना बोला ना, एक बार इस बार तुम गाड़ी चलाओगे। अरे यार ये इसने क्या किया? भाइयों से भी बढ़कर दोस्तों के बीच में ये बोतल आग लगा रही है, इसकी जरूरत है क्या? नहीं, सब गिरा दिया तूने। नहीं छोड़ो मैं इसे, आज चाहे मेरी मौत हो जाए मैं दारू पी के रहूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों का साथ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है, यहीं पर बात करके मैटर खत्म कर देना। सब कुछ खत्म होने के बाद अब क्या घंटा फैसला होगा? उठ जा, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है निकल चल। आज के बाद इनके साथ नहीं जाऊंगा, अब मैं अकेले ही जाकर इज्जत से दारू पीऊंगा और अकेले ही चला जाऊंगा, लेकिन इनके साथ नहीं। देख के क्या लड़की है। रिपीट। थैंक यू। Lighter, please. Smoking is injurious to health, इसलिए मैं स्मोक नहीं करता। दम मारने का दम नहीं है तो पब्लिक को क्यों तकलीफ देता है, idiot? रुक जा, मुझे दारू नहीं पीने दे दी। रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। माई डियर दोस्त प्रथम, मिस्टर प्रथम, मिसेस प्रथम दारू पी रही है। हेलो मिस्टर प्रथम, ये साउंड की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ पे आ जा, बताता हूँ सब तुझे। आ जा जल्दी से, बताता हूँ। पहले तू आ जा। कहाँ है बता? अरे पहले आ तू, तब तो बताऊंगा मैं तेरे को। कहाँ है बता? अरे तू तो ऑलरेडी आ गया है, फालतू में मेरा करेंसी वेस्ट कर दिया। भाई आज तेरे को भाभी का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, चल पहले ठीक से खड़ा हो जा। अबे मेरा छोड़, पहले तू हो जा। चल 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 चल। Stop! Stop it! Hey!
अरे 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 ये क्या रोग लग गया तुझे? सुबह देवी के रूप में देखा था, रात में तो तेरा रूप ही बदल गया। माना पहले ही बोला था, सुबह झाड़ में पानी डालेगी और रात में गले में बियर डाल रही है। देखो बियर नहीं है, कॉकटेल है। देखिए मिसेस प्रथम। व्हाट? अरे देखिए मिसेस प्रथम, जब मैंने तुझे सुबह देखा था तो तुझे सती सावित्री टाइप की समझा था, पर रात में तू ऐसे मॉडल टाइप हो जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। सुबह जो देखा वो रील था, अभी जो देखा वो रियल है। तेरे मुंह पर मिट्टी डालूं? अगर ऐसी हालत में तुझे मैं अपनी मम्मी के सामने ले जाऊं तो हम दोनों को वो बेलन लेके मारती जाएगी, है कि नहीं? छोड़ दे ये सब, हमारे में ये सब नहीं चलता। छोड़ दे मेरी माँ। मैंने तो तुझे मेंटल समझा था, लेकिन तू तो सच में मेंटल है। कुत्ते को ले जाने के लिए भी औकात की जरूरत होती है, और तू उस लायक भी नहीं है बेवकूफ। और मैं तेरे साथ शादी करूंगी? नॉनसेंस, निकल जाओ। अरे ये लायक वायक देखने वाला लड़का नहीं हूँ मैं। आई लव यू, बात खत्म, अब समझ ले। चुपचाप निकल। चल भाई। अबे चल बे बेवड़े, क्या देख रहा है यहाँ पे? गुरु एक बात बताता हूँ, याद रखना, लिवर फ्लावर जैसा होता है, उस पे आराम से स्प्रे करना चाहिए, तब वो खिलेगा। सब कुछ एक साथ डालेगा ना वो खराब हो जाएगा। यार बोला लीवर खराब हो जाएगा, समझ ले, समझ गया ना? अरे तूने उससे ज्यादा पी रखी है और तू उसे ही बोल रहा है, चल। हाँ चल। जिंदगी में अगर लड़के को आगे बढ़ना है तो 100% एफर्ट डालना पड़ता है, मगर लड़कियों को सिर्फ 4% ही डालें तो भी काफी होता है। अच्छा, और बाकी का ऊपर वाला दिया ही रहता है ना, 36, 24, 36। हे रुको रुको रुको, प्रथम की अर्धांगिनी। ए तेरा कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है? सपने में भी ये मत सोचना, मैं तेरे प्यार में नहीं पड़ूंगी। मैं कौन हूँ पता है तुझे? स्टेटस पता है मेरा? पता है, जय अम्मा की बहू। जय अम्मा, ये कौन है? तेरी सासू माँ, यानी मेरी माँ। हेलो, तेरी मम्मी कौन है मुझे अच्छे से पता है, इसकी मम्मी कौन है वो तुझे नहीं पता। ए, इनके साथ क्या बात कर रहे हैं, चलो। ए, चलो। वो मिनिस्टर राजेश्वरी की बेटी है। अरे मिनिस्टर राजेश्वरी की बेटी है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा बर्थडे है आज। क्या कहा? बर्थडे आज? अरे तुम्हें पहले बताना था ना। अरे कहाँ पर है यार? यहाँ पर है। अरे अरे, मेरी तरफ से गिफ्ट, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। शाम को पार्टी है, आज जाना। बिल्कुल आएंगे जी, इतना बड़ा गिफ्ट देकर भी नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आएंगे, चलेंगे। आई शाम को आना, मैं इंतजार करूंगी। तू तो भगवान का अवतार, हम भी चलेंगे। चेन निकाल कर दे दिया उस लड़की को, और क्या करूँ, रोड के चेन के लिए किसी का खून तो नहीं करूँगा ना। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you dear, happy birthday, happy returns of the day। अरे यार गले तो मिलने देता क्या? रोल कंट्रोल, बर्थडे है, फर्स्ट नाइट नहीं है। अभी देखो गले मिलके आता हूँ, देखो तुम। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, थैंक्स। गले लगाना था उसको मुझे। तुम चुप हो। सुनना सुनना सुनना, तेरी गर्लफ्रेंड को जाकर मैं बताऊं कि वो चेन रोड छाप है, मजा आएगा। फिर उसी बात में तेरे को पीटूंगा। ठीक है चलेगा। वो सब छोड़, वो बुके हमने यहीं से उठाकर उसे दिया है, उसे पता चलेगा क्या? क्यों करना, जाकर पूछ के आता हूँ। अरे यार तुम लोग कैसे दोस्तों घर बसने से पहले उजाड़ रहे हो? भाइयों पहले खाना खा लेते हैं, नहीं तो खत्म हो जाएगा। चलो चलो चलो। इतना बढ़िया बढ़िया चिकन की खुशबू। हे, इस देश में कितने लोगों को खाने नहीं मिलता और तुम खाना छोड़कर जा रही हो। इस पार्टी का खर्चा मैंने किया है, ये सब तुम अपने घर से लेकर आए हो क्या? पैसा भले ही तेरे बाप का है, पर ये खाना इस देश का है, इस देश का खजाना है। Yes, of course. Get lost. ये क्या बोल के जा रही है ये? चलो। अरे बाप रे,
ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे लोग हैं? कितना सारा अनाज मंगा है, देश का खजाना खाली कर दिया, अब क्या करोगे इसका? बड़े घर का प्रोग्राम है, क्या कर सकते हैं? खाते कम है और पीते ज्यादा है, बचेगा तो जाकर फेंक देंगे। अबे सुन, गाड़ी ला और इसे ले जा। ये क्या है गुरुजी? यहाँ पर इन बच्चों को खाने के लिए खाना नहीं है और वहाँ पर लोग इतना सारा खाना वेस्ट कर रहे हैं। भगवान ऐसा क्यों है? इन लोगों को ऐसा और उन्हें वैसा क्यों पैदा कर दिया? अरे भगवान ने हमें ऐसे ही पैदा किया है तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। वो जो भी हमारे नसीब में लिखकर भेजता है वैसे ही जीना हमारा धर्म है, इसलिए हमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए। अगर उससे सवाल करना भी है तो भी वो भगवान हमारे हाथ नहीं आएगा। ए, टीआरपी कहाँ है? उसे लूज मोशन हुआ इसलिए वो हॉस्पिटल गया, तुम लोग कंटिन्यू करो, वो आएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार ने तुम्हें शादी करने दिया, खाने को दिया और रहने को भी दिया, पर मैं तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, करेक्ट? करेक्ट। ये वाला जूस पी लो, शरीर ठंडा हो जाएगा। गन्ने का जूस पियोगे लिवर अच्छा हो जाएगा, छाछ पियोगे किडनी अच्छा हो जाएगा, नारियल पानी पियोगे पूरी बॉडी अच्छी हो जाएगी। फिलहाल तो तुम लोग ड्राई फ्रूट्स खाओ, ये सब के लिए अच्छा। लेकिन ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा खाओ, ज्यादा खाओगे इसके जैसा हो जाओगे, थोड़ा खाओगे मेरी तरह हो जाओगे। देखो हमारे पूर्वज जो खाते थे ना, दूध दही घी बाजरे की रोटी सरसों का साग, अगर ये सब खाओगे ना तो बीपी और शुगर हवा हो जाएगा, इसके अलावा और कोई बीमारी भी नहीं होगी। लेकिन आजकल तुम लोग क्या खा रहे हो? पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, अलग अलग कलर वाला कोल्ड ड्रिंक पीते हो। अगर वो पिया तो तुम्हारी जान दो, क्या तुम बाप भी नहीं बन पाओगे? तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, मतलब बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। ए निकाल, अभी निकालता हूँ। पोस्टर निकाल, पोस्टर। अरे पोस्टर निकाल। ये बंदर लोग क्या कर रहे हैं? देख तो, दिव्या और तू, इस मेंटल का तो बहुत ज्यादा हो गया अभी। देखो, पिज्जा बर्गर वड़ा पाव खाओगे तो ऐसे हो जाओगे, और अगर दही छाछ फ्रूट जूस पियोगे तो ऐसे हो जाओगे। अब फैसला तुम्हारे ऊपर। इडियट, क्या कर रहे हो ये सब? ऐसे मेरी और मेरी फ्रेंड की फोटो डालने की परमिशन किसने दी तुम्हें? बोलो। हमारे देश का आहार है ये खाना, ये खाकर लोग कितने मजबूत बनते हैं। मैंने बचपन से ये खाया है, बहुत ताकत है मुझ में। जबरदस्त। अगर एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा करना चाहते हो, अरे मतलब मेरा और तुम्हारा बच्चा, तो तुम भी ये खाओ। स्टॉप। अब मैं दिखाऊंगी तुम्हें, बातों से समझ में नहीं आ रहा है ना, पुलिस को कॉल करती हूँ, रुको। अरे सच में कर रही है क्या? चुप बैठो। ए, वो सच में पुलिस बुलाने की बात कर रही है, अगर बुला लिया तो हम क्या करेंगे? रुक। मैडम, एक मिनट। वो क्या है ना, जोश में मैंने बहुत कुछ कह दिया और इस बात का हमें कोई डर नहीं। ये छाछ लो और पियो, दिमाग ठंडा हो जाएगा तुम्हारा, फिर पुलिस तो क्या, मिलिट्री को बुला लेना। चलो चलते हैं। ओके जाओ, मैं पी लेता हूँ, वेस्ट नहीं होगा। ए सुन, टीआरपी को लूज मोशन कैसे हुआ? अब ये छाछ रेडी होने के बाद मैंने उसे पूछा कि पी के बता कैसी है, पीने के बाद लूज मोशन हो गया। सबको नमस्कार, मैं हूँ श्वेता, आपकी जगह और हमारी बोली, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैडम, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आपके एरिया के एमएलए के बारे में आपकी क्या राय है? आप किसे वोट करेंगी मैम? इस बार इलेक्शन है तो वोट मांगने के लिए किसी को आने दो, मैं तो उनको छोड़ूंगी नहीं। इस जगह पर उन्होंने कोई भी काम ठीक से नहीं किया है, गटर रास्ते पानी कुछ भी सही नहीं है। हमें इलेक्शन चाहिए ही नहीं, इलेक्शन के चक्कर में हम पड़ते ही नहीं है। उस औरत को आके 5 साल हो गए, तब से अब तक यहाँ देखा तक नहीं, मैं उसे वोट नहीं दूंगी। सर, आपके एरिया के एमएलए के बारे में आपकी क्या राय है? नंबर दोगे तो बताऊंगा। ए फालतू में अंदर चले जाओगे। ए मैं इसकी शादी कराने की सोच रहा था। ओ अच्छा अच्छा, लाओ मैं बताता हूँ। माइक और कैमरा दिखते ही मैं अलर्ट हो जाता हूँ। हाँ क्यों नहीं, तुम तो हो ही पैदाइशी अलर्ट। सुनिए, मैं उस एमएलए के खिलाफ हूँ, खिलाफ हूँ, खिलाफ हूँ। यहाँ के लोग उस औरत को वोट देकर अपने आंसू से हाथ धो रहे हैं। अरे नहीं, वो नहा रहे हैं। इधर देख। हेलो, पैसा है, अधिकार है, तो इसका मतलब कुछ भी कर सकती है क्या? आप ये पकड़ो,
ए, जूम करो। इस बार इस इलेक्शन में वो कैसे जीतती है मैं भी देखता हूँ। बिल्कुल सही कहा। सुपर माइक दे। बहुत हो गया, माइक दीजिए सर। ए तू चुप हो जा, हमारी तकलीफ हमें पता है। हम हमारी तकलीफ किसे बताएंगे? इस एरिया में तो वो आती ही नहीं है। घर जाओ तो वहाँ भी नहीं मिलती, किसी को एंट्री नहीं मिलती। सुनिए, अपना वोट देने वाले फिर से इलेक्शन आया है। लोग नोट देकर वोट लेते हैं और तुम्हें रास्ते पर ले आ जाते हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसे वोट मत देना। और भाई, उस लड़की से तुझे लव है बोलकर घूमता रहता है, हाँ? मीडिया के सामने उसकी मम्मी को गाली देता है, जो भी मुंह में आया बोल देता है, इससे वो गुस्सा नहीं होगी क्या? लव अलग है, लाइफ अलग है। उसकी माँ जो गलत काम कर रही है, मैं लव के लिए उसे स्वीकार नहीं कर सकता। क्या बोलता है भाई? किसी ने भी गलती की तो उसे सुनना होगा। अरे दादी, मुंह में एक भी दांत नहीं है, फिर भी मशीन की तरह घर 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 करके मुंह चला रही हो, खा क्या रही हो? काजू किशमिश खा रही हूँ बेटा। अच्छा, ये क्या है दादी, बारिश में गीले हो गए क्या जो सुखाने के लिए रखी हो? मुंह में दांत नहीं है ना बेटा, इसीलिए चूस चूस के खा रही हूँ। अरे पागल, ले जाकर कचरे के डब्बे में डाल देती, ऐसे ब्लैक मनी की तरह संभाल के रखी हो। दादी आ गया बेटा, तेरा ही इंतजार अच्छा, कर रही थी। दो दादी, दो 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 दो, ये ले, दोना दादी, ये ले खा बेटा। अरे तुम खाओ ना, अरे खाओ भाई खाओ, अरे तुम तो खाओ, अरे इसे खाने से ताकत बढ़ती है। इतने दिनों से तू हमें ड्राई फ्रूट के नाम पे ये खिला रहा था, वो दादी का ही था क्या? हाँ बिल्कुल। अरे तेरी तो मार भी खा, ये ले मार खा, ये ले। क्यों मैडम, आपके बारे में हर तरफ से बस नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। ऐसे लगता है कि ये अपोजिशन वालों की चाल है सर, इस तरह से बात करके वो मुझे नीचा दिखा रहे हैं। आप इन सब बातों पर ध्यान ना दे तो ही अच्छा है। देखिए, मैं विपक्ष के प्रचार और मीडिया की रिपोर्ट लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वो देख कर बात कर रहा हूँ। देखिए, आप हमारी पार्टी की फ्रंट लाइनर है, आपने पार्टी के लिए कितनी मेहनत की है ये भी हम जानते हैं, पर आप अभी खतरे में हैं, इसलिए आप अपने एरिया में ज्यादा ध्यान दीजिए और आज से ही अपने एरिया में ज्यादा काम कीजिए, समझ गई आप? ठीक है सर, मैं चलती हूँ। मेरा सर फट गया, मुझे कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे कोई हॉस्पिटल ले जाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लगता है कुछ हुआ है, रुक रुक। अरे इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं तुझमें? ये बेचारा यहाँ मर रहा है और तू वीडियो बना रहा है। ए, मैं अकेला बना रहा हूँ क्या? यहाँ पर तो सभी लोग बना रहे हैं। अरे तुम लोगों में दिमाग है कि नहीं? ये बेचारा यहाँ मर रहा है और तुम लोग वीडियो निकाल रहे हो। ए, उठा इसे, चल। ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, रुको रुको, पीछे डाल। हेलो, ये सब क्या है? इसकी जान बचाना जरूरी है, तुम टाइम वेस्ट मत करो, हॉस्पिटल चलो, अब चलो। पेशेंट के साथ कौन है? मैं हूँ, ये है, वो नहीं है। पेशेंट की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, हमें अभी ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। मेरा बी पॉजिटिव है। मेरा ए पॉजिटिव। गुड, दैट्स फाइन। ए, नो नो। डार्लिंग कुछ नहीं होगा, no! मैं हूँ ना, कम। ए, ए, मेरा हाथ छोड़ो, जस्ट लीव मी। डोंट वरी, तुम्हारे लिए दो ग्लास अनार का जूस लाया हूँ, ब्लड देने के बाद इसे पी लेना, जितना खून गया उससे डबल आ जाएगा, समझी डार्लिंग? Mm-hmm.
थैंक्स, इतनी तो इंसानियत है तुम में। अरे इंसानियत नहीं, डर है। डर? जब मैं खा रहा था तुम घूर घूर के देख रही थी, कहीं पेट खराब हो गया तो? यही है, इन्होंने ही आपके घायल बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया और तो और उसे खून देकर उसकी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। क्या कर रहे हो आप लोग? मैडम, आपने सिर्फ एक जान नहीं बचाई बल्कि चार जाने बचाई हैं। हमारे घर की पूरी जिम्मेदारी हमारे बेटे पर है। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे मैडम। पूरी जिंदगी निकल जाए फिर भी इसे चुका नहीं पाएंगे। अरे रे, नहीं मैडम, आपने जो एहसान किया है वो ही काफी है। अरे ले लीजिए, जब बड़े लोग देते हैं तो ना नहीं करते। रखिए इसे, जाइए, आपका बेटा वहां है, जाइए। गुड, वेरी गुड। मुझे पता था तुम अच्छी लड़की हो, बस माँ ने तुम पर ध्यान नहीं दिया होगा, पर तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? किस लिए? कुछ नहीं, वो अगर किसी और को खून की जरूरत हो तो फोन कर लूंगा। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? शिट, मैं उसके बारे में अभी तक क्यों सोच रही हूँ? आपने अब तक अमीर लोग, मंत्री लोग या फिर अधिकारियों के बच्चों को ऐश करते हुए देखा है, लेकिन इनमें अभी भी इंसानियत बाकी है ये प्रूव किया है नगर अध्यक्ष सेविका राजेश्वरी जी की बेटी ने। रास्ते में एक्सीडेंट हुए एक लड़के को वो अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई और वहां अपना खून देकर उसकी जान बचाई। ये नेक काम करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इनमें इंसानियत आज भी बाकी है। सिर्फ हॉस्पिटल में ले जाकर उसे एडमिट नहीं किया बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी दिया। अगर किसी को भी ब्लड चाहिए तो ये ही देगी, आप इसे कॉन्टेक्ट कीजिए। वाला है तो कल ही नंबर दे देती। सुनो, नारियल पानी चाहिए मैडम? लीजिए। नहीं चाहिए। प्रथम नाम का लड़का आता है ना? हाँ, आता है। वो कहाँ मिलेंगे मुझे? वो बहुत मुश्किल में है, ये कटार लो। यहाँ पर जितने झाड़ दिख रहे हैं सब पर जाकर मारो, उसको मारने से पहले तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा वो। ले जाओ मारो। अरे ले लो, सोच क्या रही हो? रुक जाओ, पेड़ काटने से पहले मुझे काटना होगा। ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आई। क्या मेरे लिए यहाँ तक आई हो? लग रहा है जैसे महारानी साहिबा एक गुलाम को ढूंढने आई है। कॉफी पीने चलोगे क्या मेरे साथ? कॉफी क्या, मैं तो खुशी खुशी जहर भी पी लूंगा। नालायक जहर पीने की बात कर रहा है।
हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रथम, ये किसकी बेटी है? देखो, हमारे होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, ये मेरी बच्ची नहीं है। एक काम करो, मेरे साथ चलो, चलो। हमें जब भी कोई बच्चा मिलता है तो हम पेपर में ऐड दे देते हैं। वैसे ही जब ये बच्ची हमें मिली थी तो हमने पेपर में ऐड दे दी थी, लेकिन जब इस बच्ची के बाप ने कहा कि वो इस बच्ची को आकर ले जाएगा, तभी हमें पता चला कि इस बच्ची की माँ नहीं है। बेटी, तू रास्ते में रो क्यों रही थी? हमारे घर में नई मम्मी आई थी, मैं चॉकलेट लेकर आती हूँ कहकर गई और फिर वापस ही नहीं आई। प्रथम, बच्ची को लेकर जा। मैं आश्रम दिखा कर आता हूं। देखो, लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाके हजारों रुपए खर्च करते थे, लेकिन इन बच्चों को एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता। किसी भले इंसान ने यह खाना दान किया है, इसीलिए इन्हें खाना मिला। धूप क्या है, बारिश क्या है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम तो एसी गाड़ी में घूमती हो। गरीब लोग तुम्हें देखते हैं क्योंकि तुम बंगले में रहती हो। तुम्हारी एक पार्टी के खर्चे से ये बच्चे पूरे महीने पेट भर के खा सकते हैं। कोई भी अनाथ पैदा नहीं होता है, परिस्थिति ही उन्हें अनाथ बना देती है। ये लीजिए, मुझे पता है तुम अच्छी लड़की हो, इसीलिए तो तुम्हें पसंद किया। ए सुनो, ब्रेकिंग न्यूज लगी है। कर्नाटका 2018 के विधानसभा इलेक्शन की तारीख तय हुई है। 1 जून को नाम पत्र देने पड़ेंगे, 9 जून को नाम पत्र मिलेंगे, याद रखिए ये अंतिम दिन है, और फिर जून 21 से इलेक्शन शुरू हो जाएगा। कर्नाटका राज्य में सिर्फ एक ही बार मतदान होने वाला है, जिसका रिजल्ट 30 जून को हमारे सामने आएगा। बसवा ने कहा था 12वीं सदी में खून भी नहीं करना है, कला भी नहीं चाहिए, साइंस भी नहीं चाहिए, सबको रोकना है।
और यहाँ देखो विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं पता है? सिर्फ झूठ बोलते हैं, हमारी राजेश्वरी मैडम के ऊपर झूठ मूठ का आरोप लगाते रहते हैं। दिल्ली में जैसे वो मैडम बैठी है ना, हमारे कर्नाटक में भी राजेश्वरी मैडम है। हमारी सरकार का रिसेशन नहीं सह पा रहे हैं विरोध पक्ष वाले, और अपना पूरा दिमाग लगाकर हमारी सरकार के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हमारे प्यारे मतदाता, मैं 7 करोड़ जनता की कसम खाकर कहता हूँ, विपक्ष वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, झूठ है। ए, इसका फैसला मैं करूँगा। मेरी कसम क्यों खा रहे हो? मैंने तुम्हारी कसम कहाँ खाई? ए, 7 करोड़ लोगों की कसम खाई है तूने, उसमें से एक मैं भी हूँ। हेलो, हम लोग भी उसमें से एक हैं। हाँ, तूने क्या हमें पाल पोस के बड़ा किया है क्या जो हमारी कसम खा रहा है? इस वक्त तू झूठी कसम खा के वोट मांग रहा है, और इतने सारे लोग तुझे वोट भी देंगे और तुम मिनिस्टर भी बन जाओगे, लेकिन बनने के बाद कोई काम नहीं करोगे। अगर तुझे कसम खाना ही है तो अपनी बीवी और बच्चों की खा, इनकी कसम खा के अगर तूने काम नहीं किया तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा? हे, इधर आओ। ए, तेरी सासू माँ बुला रही है, जा। तू भी चलना। हाँ ना ना, मैं नहीं आऊंगा। तू जा, कुछ गड़बड़ हुआ तो हम लोग आ जाएंगे, टेंशन मत ले। तुझे लगता है तेरी तरह हम लोग यहाँ पर टाइम पास करने आए हैं? बिना काम के घूमने वालों को और मुंह उठा के बोलने वाले लोगों को बहुत झेला है मैंने। अपने आप को अक्लमंद समझते हो? 4 लोगों के बीच में गोविंदा बनकर घूमता है और 4 बातें क्या बोल दी? अपने आप को हीरो समझने लगा तू? एक मिनिस्टर की पोस्ट क्या होती है क्या उसके बारे में जानता है? एक वोट के लिए भी बहुत सारे लोगों का विश्वास कमाकर, उनके हाथ पैर पकड़कर, हमारी एकता का प्रदर्शन करके, हमारी जीत का प्रदर्शन करके, मिनिस्टर बनने के बाद लोगों का काम करके उनकी गालियां सुनो। हर बार इलेक्शन जब भी आता है, हर एक राजनेता की आंखों से उसकी नींद, उसका सुख चैन सब कुछ उड़ जाता है। सबके बीच में मंत्री बनकर, अधिकारों की कुर्सी पर बैठकर क्या काम करना आसान है? कितने मीडिया वाले लोगों की, विरोध पक्ष वालों की हमें बातें सुननी पड़ती है। बारिश आए तो चिल्लाते हैं, बारिश नहीं आए तो भी चिल्लाते हैं, कावेरी की समस्या पर चिल्लाते हैं, हर बात पर इनका चिल्लाना होता है। पानी दिया तो भी चिल्लाते हैं, पानी नहीं दिया तो भी चिल्लाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को तो सुनना ही पड़ता है। और इतना ही नहीं, मलेरिया जैसी बीमारी आने के बाद और फिर डेंगू आने के बाद, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इन बातों को भी हमें फेस करना पड़ता है। राजनीति का मतलब सिर्फ खड़े होकर बोलना नहीं होता। अगर हिम्मत है तो इलेक्शन में खड़े होकर फेस करके दिखाओ, हमारी तकलीफ क्या होती है वो समझ में आएगी। मुझे भी इलेक्शन में खड़ा होना है। मैं भी हो जाऊंगा। चल खड़े होकर 4 वोट लाकर तो दिखाओ। तुमने एक रॉकेट के पीछे आग लगाया है, अब ये रॉकेट जले बिना नहीं रहेगा, देखना। बॉयज रेडी हो ना? देख लेना, पूरे 100 वोट लाकर दिखाऊंगा। इलेक्शन में खड़ा हुआ है? एक लगाऊंगी ना बंदर कहीं का, अब ये करेगा तो इलेक्शन में खड़ा रहेगा? इनको समझता क्या है, पागल हो गया है? मैं खड़ा भी रहूंगा और जीतूंगा भी। उस मैडम का विरोध करने वाले आगे तो मैं जीत भी जाऊंगा। पागल हो गया है, इलेक्शन जीतेगा तो इलेक्शन जीतेगा। हमने क्या गलती की? वो बेचारी कब से अकेले मार रही है, उसको मदद करने का छोड़कर तुम लोग। तुम्हारे बेटे ने तो गलती की है, तुमने हमें क्यों बिना मतलब पीट दिया? मेरे बेटे ने गलती नहीं, की मैंने नहीं की है। मेरा बेटा कभी गलती नहीं कर सकता। आपका बेटा तो गलती कर ही नहीं सकता ना।
राजेश्वरी मिनिस्टर के सामने आपका बेटा इलेक्शन में खड़ा होगा ऐसा चैलेंज लेकर आया है। अरे वो मैडम शेरनी की तरह है और आपका बेटा चूहे की तरह, वो खा जाएगी इसे, मैं जानती हूँ ना, आप कुछ कीजिए। सुनो, पता चल गया ना, उसने गलती की थी इसलिए मार खाया, हमें तो फालतू पीट दिया ना। गलती हो गई, गलती हो गया करके फिर से मार रहे हो। स्टॉप इट। ए पागल, इलेक्शन को समझ के क्या रखा है तुमने? एक विधानसभा क्षेत्र में 100 से लेकर 150 तक बूथ रहते हैं। चल जाने दे, 185 पकड़ ले। एक बूथ के कार्यकर्ता को खाने पीने के लिए 5,000 से 10,000 तक का खर्चा होता है। 5,000 × 150 बूथ कर कितना हुआ, क्या हिसाब लगा रहा है पागल? 7.5 लाख रुपए हो गए। 7.5 लाख रुपए एक दिन का। इसी तरह एक महीने तक इन्हें पालना पड़ेगा। एक महीने तक उनको पालना मतलब 2 करोड़ रुपया जाएगा। 2 करोड़ तो खाने पीने का। सिर्फ इतने में खत्म नहीं होता, और साथ में घूमने वालों को दारू पिलाना पड़ेगा, उसके लिए 50 लाख लगेगा। ये सब होने के बाद तू जीत गया उसकी कोई गारंटी नहीं। वोट के लिए नोट देनी पड़ेगी, औरतों को साड़ी देनी पड़ेगी और मर्दों को दारू पिलानी होगी। इतना सब होने के बावजूद भी। अरे वाह यार, तेरे पास तो सारी जानकारी है। गहरी जानकारी लेकर बैठा है, ग्रेट है ना ये। उसे बोल, ग्रेट है यार तू तो। हे, तूने जो कहा सब कुछ सच है। वो सब कुछ वो करेंगे जो इलेक्शन में जीतना चाहते हैं। लेकिन मैंने उस मैडम को चैलेंज क्या किया है कि मैं 100 वोट लेकर आऊंगा। ऑलरेडी मेरी फैमिली और दोस्तों से 7 वोट तो मिल जाएंगे। अब बचे हैं सिर्फ 93 वोट। हेलो, सिर्फ 93 वोट नहीं, तुम्हारी गिनती गलत है। कैसे? हम चारों लोगों ने अपने 4 लोगों का वोट 3 महीने पहले दे दिया है। और मेरी माँ की कसम, तेरी माँ तो वोट डालेगी नहीं। बस तुझे तो सिर्फ तेरे बाप का वोट मिलेगा। मुझे तो तुझ पर ही डाउट है। मुझे लगता है कि अगर किसी ने तुझे नोट का लालच दिया तो तू अपना भी वोट दे देगा। अबे जरा शर्म कर अपनी जिंदगी पर। दोस्त के नाम पे कलंक है। 100 वोट का चैलेंज किया है मैंने उनको, और तू मुझे सिर्फ 1 ही वोट दिलाएगा, कैसा दोस्त है? अरे जाने दे बेटा, इन्होंने तुझे चाइना मटेरियल समझ लिया है, लेकिन तू मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया, डर मत, तू इनके जैसा नहीं है। तू गुंडागर्दी कर ही नहीं सकता। हाँ कि नहीं? हाँ, बोल। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आ जाओ भाई, आ जाओ। माँ जी एमएलए आ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते, तुमने बिल्कुल सही कहा। ए चाइना मटेरियल, निकलो यहाँ से, अब बैठिए। आप अपने बेटे को बहुत अच्छी सीख दे रहे हो। नमस्ते नमस्ते। लोग कहते हैं कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं करूंगा सपोर्ट। तुम कल सुबह ही नामांकन भर देना, ठीक है? थैंक यू बॉस। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। चाय पीकर तो जाइए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर वो शाम को घर पर आ जाना। हाँ सर। अपना मुंह बंद रख बावले। इसके बाप ने इसके नाम पर एक घर लिया है, उसको मैं भाड़े पे रखूंगा, लेकिन तुझे एमएलए बना के रहूंगा। घूम फिर के मैं ही दिखता हूँ इसे। कल देखना नामांकन कैसा रहेगा तुम्हारा। नमस्ते बहनों, इस बार इलेक्शन में वोट दोगे ना? हम आपको ही वोट देंगे। मुझे ही वोट दोगे? प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी मैं, लेकिन आपने मेरी शादी करवा दी। इस समाज में एक अच्छे इंसान का सम्मान दिया है तुमने, ऐसे व्यक्ति हो तुम। ओ, तुम गुड्डू की बीवी हो क्या? ए, चुप हो जा, रामन्ना की बीवी है, मिसेस रामन्ना। हमारे महिला संघ के 1,000 वोट आपको ही मिलेंगे, देख लीजिए। नमस्ते प्रणाम। आप वोट देंगे ना? भैया मेरा वोट आपका ही है। हाँ, तेरे अकेले ही वोट से ये जीतने वाला है। एक एक वोट जरूरी होता है। रुक। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, आप तो देवता हैं। हमारे इस परिवार के सुख शांति का कारण आप हैं भैया। आपको वोट नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? सिर्फ हमारे नहीं, पूरे एरिया के वोट आपको ही मिलेंगे। पूरे साल तूने हमारे शहर का नाम रोशन किया है, इसीलिए तुझे ही वोट डालेंगे और तेरे साथ ही रहेंगे। चल गुरु। अरे यार, इस बार तू अपना वोट किसे देगा? और किसको, हमारा इतना अच्छा लड़का प्रथम है। हमारे गांव में सभी कहते हैं कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर वो नहीं होता तो हम दोनों यहाँ बैठकर थोड़ी बात करते। हाँ, हमारे एरिया का लड़का अच्छा है, उसी को ही वोट देंगे। बिल्कुल सही, प्रथम को ही वोट देंगे, दूसरे छोड़कर किसी को नहीं।
राजेश्वरी मैडम की। नमस्ते राजेश्वरी, इस बार मैडम को ही वोट देने का। नमस्ते राजेश्वरी मैडम को ही वोट देने का। राजेश्वरी, नमस्ते भैया, मैडम को ही वोट देने का। राजेश्वरी मैडम की। मैडम को ही वोट डालने का। राजेश्वरी मैडम की। ये हमारे बाजू के गोपाल चाचा है। राजेश्वरी मैडम की। मैडम, मैडम को ही वोट देने का इस बार। मैडम को ही वोट डालने का। राजेश्वरी मैडम की। राजेश्वरी मैडम, ये हमारा सिंह खानदान। नमस्ते मैडम को ही वोट डालने का। नमस्ते भाभी जी, ये हमारे खानदान के लोग हैं। ये जरा साइड में हो जा। नमस्ते टी गौड़ा जी, इस बार आप अपना वोट राजेश्वरी मैडम को ही देना। 10 साल पहले भी हमने इन्हें वोट दिया था, चुनाव जीतने के बाद एक बार भी हमें देखने नहीं आई। हाँ गौड़ा जी, आप सबने जिताया, इसीलिए तो मैडम मिनिस्टर बनी है। सिर्फ इसी एरिया के मिनिस्टर है क्या, पूरे राज्य के मिनिस्टर है? राज्य संभालना आसान नहीं होता। देखो तुम सब लोग इनको वोट डालना, सब अच्छा होगा। इस बार मैडम आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक करेंगी। कुछ भी बोलो, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। हम अपने एरिया के लड़के प्रथम को ही वोट देंगे, वो हमारे दुख तकलीफ को समझता है। अरे टी गौड़ा जी, एक बार मैडम को वोट दे देना, मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। आप जाओ जाओ। राजेश्वरी मैडम की। नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते मैडम को ही वोट देना, ठीक है ना माता जी? मैडम को ही वोट देना। नमस्ते नमस्ते, हमारा वोट जाएगा सिर्फ मैडम के लिए। मैडम सिर्फ किसानों के लिए ही जीती है। उस लड़के के हाथ पैर तोड़कर उसे कहीं भी जाने के लायक मत छोड़ना, ध्यान रहे। ओके मैडम। अरे क्या हुआ? मारा? अरे दिन भर साथ में घूमता रहता है, पूछता तक नहीं है, और अभी बाजू में रहकर हाय हेलो मैसेज भेज रहा है। अरे तूने ही तो कहा था ये सिम यूज कर, इसमें 1 GB फ्री है। अरे पागल, ऐसे यूज करने का थोड़ी ना कहा फिर था। कैसे? उस तरह से यूज करना उस था। उस तरह से क्या मतलब? अबे राकेश तू पागल है, उस तरह से यूज करने के लिए उसकी शादी कहाँ हुई है? आप लोग तो उसमें PhD किए हैं ना, इसीलिए तो पुलिस स्टेशन में नंगा करके बिठाए थे आप लोगों को। सही कहा इसने। सही बोला। इंटरनेट फ्री। हे एक मिनट, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हमारे PM का कॉन्सेप्ट है, डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट। वोट मांगने के लिए लाइव जाएं क्या? बहुत सारे लोग देखेंगे। हाँ, गाड़ी निकालो, हम चलते हैं। तू कहाँ जा रहा है? इंटरनेट पे लाइव। इंटरनेट पे लाइव? रेडी रेडी। हाँ यार, हाँ चल। मेरे प्यारे देशवासी और वोट करने वालों, नमस्कार। 1947 के पहले अगर ये सब रहता तो सबका काम आसान हो जाता, लोग होशियार भी हो जाते, लड़ाइयाँ खत्म हो जाती, और बदलाव का मतलब सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट नहीं होता। उठो सब, उठो। अरे तुम लोग बैठ जाओ। मैं इंटरनेट के माध्यम से विनती करता हूँ कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, अच्छे घर से हूँ, आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा, वोट मुझे ही दीजिए, धन्यवाद। ये क्या कर रहा है, इसको शेयर कर देना। मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। मैंने भी। ए, पैम्पलेट्स रेडी है ना? ए, पैम्पलेट्स रेडी है ना? अरे वो कब का रेडी है? शक्ल क्या देख रहा है? लेकर आना। फ्लैग्स रेडी है ना? वो रेडी हो गया है, पैसे देगा तब तो लेकर आऊंगा ना। अरे तू जा और फ्लैग्स लेकर आ, पैसे बाद में दे दूंगा, लग रहा है मेरा बाप वहाँ पे बैठा है। ये चल रहे बैठ जाओ, चल रहा है। Thank you.
ही पागल, सिर्फ 100 वोट लूंगा ऐसे चैलेंज किया तुमने, जीतूंगा ऐसा चैलेंज करने में क्या प्रॉब्लम थी? ए, ये ट्रैक तो कहीं और जा रही है। इस बार इलेक्शन में तुम्हें ही जीतना चाहिए, क्योंकि मुझे जिंदगी जीना तुमने ही सिखाया है। हाँ? मैं बचपन में चाइल्ड कॉन्वेंट ऊटी में बड़ी हुई हूँ। हाँ? लेकिन मेरी मम्मी जब देखो बिजनेस पॉलिटिक्स में बिजी रहती थी, बहुत बिजी। तेरी माँ की कहानी मुझे पता है। मुझे अब लग रहा है कि मम्मी के साथ रहना है, मम्मी का प्यार चाहिए। इस बार मेरी मम्मी इलेक्शन में हार जाएंगी तो मेरी मम्मी को भी आराम मिलेगा और मैं भी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। ये है स्टोरी। यू नो, मेरी मम्मी ने आज तक मुझे कोई भी कमी नहीं होने दी। हाँ, पता है। बट इन लोगों को तो मेरी मम्मी जैसी पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं, तुम्हारी तरह एक अच्छे इंसान की जरूरत है। तुमने बोल दिया तो बात खलास, इस बार इलेक्शन जीतना कंफर्म। राज्य में सभी बूथ पर शांतिपूर्ण वोटिंग हुई। इसी इलेक्शन के रिजल्ट आप सब लोगों के सामने अब बस कुछ ही देर में होंगे। अब देखना ये होगा कौन सी पार्टी जीतेगी। क्या रिजल्ट आएगा? से सुनो, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आएगा हमें बहुत बड़ा धमाका करना है, उसके बाद सबको पार्टी, समझ गए? अब मुँह क्या देख रहे हो? सारी तैयारी हो चुकी है ना? ये अभी तक अपना कैंडिडेट आया क्यों नहीं? अरे आ जाएगा, रुकना। आ गए मुँह उठा के। ए, चलो घर जाओ, चलो। ए, लगता है यहाँ का माहौल ठीक नहीं है यार, चलो निकलते हैं।
मतदान के पहले चरण में राजेश्वरी को 5010 वोट मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी प्रथम को 28 वोट मिले हैं। देख भाई, हमारे दोस्त का टारगेट है 100 वोट का, 28 वोट तो मिल गया है, 72 और मिल गया तो जीत ही जाएंगे ना, और थोड़ा वेट करते हैं ना। और अब मतदान के दूसरे चरण में राजेश्वरी का 11,000 और प्रथम का 99 वोट हो गया है। भाई आगे बढ़ रहा है। जाओ जाओ बे, निकलो यहाँ से। और अब गिनती के तीसरे चरण में राजेश्वरी का 15,000 वोट और प्रथम का 18,000 वोट हो गया है। यार मुझे लगता है किसी अनपढ़ को बिठा दिया जिसको गिनती नहीं आती। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वोटिंग की गिनती का 8वां भाग भी खत्म हो गया है। राजेश्वरी को 19,400 वोट मिले हैं और प्रथम को 25,000 वोट मिले हैं। ये माइक वाइक तो खराब नहीं हो गया ना? वोटिंग का 10वां भाग भी पूरा हो गया है और प्रथम अभी भी राजेश्वरी से आगे चल रहे हैं। यस यस, ये सब क्या हो रहा है? और अब गिनती पूरी हो चुकी है। प्रथम ने राजेश्वरी से 11,000 ज्यादा वोट लेकर ये चुनाव जीत लिया है। चेहरा क्या देख रहे हो? जल्दी से पटाखे जलाओ। ये तो मुंह क्या देख रहा है? पटाखे उठा, पटाखे उठा के लाओ। ए साज हटिए, पटाखे जलाएंगे। साज हटिए, हमारा पटाखा नहीं है, किसी को पता चल गया तो। पटाखा किसी का भी हो, पर दिवाली मनाने वाले हम लोग हैं। क्या डायलॉग मारा है भाई? राज्य के चुनाव हो चुके हैं और उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। 127 क्षेत्र हम देखेंगे तो पूरा रिजल्ट ये है कि तो इस इलेक्शन का अंतिम रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जनपूर्व पक्ष के 112 सीट, प्रतिपक्ष रहने वाले प्रजा पक्ष के 90 सीट, वैसे ही करुणाडु पक्ष ने 41 सीट जीतकर इस इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल की है। मेरे प्यारे दर्शकों, इस बार विधानसभा के चुनाव में एक अलग ही घटना घटी है। पूरे राज्य में सिर्फ एक ही कैंडिडेट ने भारी मतों से जीत पाई है। जो मंत्री जी के विरुद्ध खड़े थे वो हैं प्रथम। प्रथम जी ने मंत्री जी के खिलाफ खड़े होकर भारी मतों से अपनी जीत दर्ज कराई है। हम जानते हैं कि बहुत बड़ा पक्ष है जनपूर्व पक्ष। सरकार बनाने के लिए पार्टी को मेजोरिटी प्राप्त करना जरूरी है और तभी ये लोग मैजिक नंबर 113 तक पहुंचकर अपनी सरकार बना सकते हैं। 113 सीट तक पहुंचने के लिए जनपूर्व पक्ष को अभी सिर्फ एक सीट कम है, तो ये पक्ष किसी और पक्ष के साथ हाथ मिलाएगा या अपने बलबूते पर सरकार खड़ी करेगा, इस बात का सबको इंतजार है। प्रथम, मैं अभी और इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो हार पहना रहा हूँ इसे। ये क्या किया तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ? क्या किया? मेरा बेटा क्या हो गया? अरे मैंने कहा था इनके साथ मत रहो। क्या हुआ? ये इलेक्शन जीत गया है और ये लोग खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाए, हार डाल दिए। अच्छा, मेरा बेटा इलेक्शन में जीत गया? मारा क्यों? मेरे बेटे को एक भी वोट नहीं मिलेगा ऐसा कहा था ना, देखा उसमें कितनी पावर है। इसका मतलब मिनिस्टर बन जाएगा फिर भी मारोगे क्या? प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, अब नहीं मारना। ए पानी डालो रे इसके मुंह पे। हम अरे उठ जा, तू एमएलए बन गया है। अरे इतना मत चिल्लाओ, पहले पानी डालने दो। हाँ अब उठेगा, देखा उठ गया ना बेटा। हाँ हाँ देख, सब अपने ही है। क्या हो गया? क्या हुआ मतलब? तू इलेक्शन जीत गया है। क्या? मैं इलेक्शन जीत गया?
हाँ यार। अरे खाली जीता ही नहीं 11,000 से लीड किया है। 11,000 वोटों से जीत गया मेरा बेटा। बार बार मार खाऊंगा क्या मैं पागल हूँ, इसीलिए तो शिफ्ट किया ऑल द पेशेंट भाई। आज मेरा बेटा हीरो बन गया है, एकदम सुपर हीरो। साहब जी, हमारी मैडम भले हार गई हो, लेकिन हमारे पक्ष को जिताने के लिए 112 सीट लाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। आप अपना दिल बड़ा करके मैडम को MLC बनाकर उनको उसी सीट पर आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए, हम सबका यही अभिप्राय है। अभी तो चुनाव खत्म हुआ है, पहले सरकार बनाने के बारे में सोचते हैं, बाद में हम आगे की बात करेंगे। आपने जो भी मेहनत की है वो हाईकमान ने देखी है, बस थोड़े दिन इंतजार करो। नहीं सर, मैं अपने अधिकार को लेकर लालची नहीं हुई हूँ, ये सब इनकी सोच है। मैं इस पार्टी की लॉयल कार्यकर्ता हूँ। ये आप ही की सरकार है, हम सब लोग आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। ये तो पहले से इधर है, हार गई है इसलिए दुखी होगी, फूल देकर इंप्रेस करता हूँ। बुके CM को देने के लिए लाया था, पर आपको देखने के बाद आप ही सही इंसान लगे तो सोचा आप ही को दे दूं। वो क्या है ना, शांत खड़े लड़के को गुस्सा दिलाकर जगा दिया, इलेक्शन में खड़ा करवाया, और वो भी अपने ही खिलाफ। आह सुपर, ये लीजिए, ये मेरी जीत नहीं है, आपकी जीत है। नमस्ते सर। आओ बैठो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अच्छी लीड से जीते हो। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, आपके लीडरशिप में 112 सीट हैं। क्या बात है सर। वैसे मुझे कौन सा खाता देने का तय किया है सर? देते हैं, रुको जरा। अरे सर, आपने 112 सीट जीते हैं, मुझे सपोर्ट करोगे तो आराम से सरकार फॉर्म हो जाएगी, ये आपको भी पता है और मुझे भी। राजेश्वरी मैडम की जगह मुझे दे दें तो आपके आशीर्वाद से मैं सब अच्छा कर दूंगा। देखते हैं। थैंक यू सर। जनापर अपक्ष के नायक बनकर निकले हैं वो रेवन्ना हैं, और दूसरी बार भी मुख्यमंत्री जी बने हैं और उन्होंने प्रमाण वचन ले लिया है, और वैसे ही पहली बार क्षेत्र में जीते प्रथम जी ने CM की देखरेख में कैबिनेट सचिव बनकर प्रमाण वचन स्वीकार लिया है। अब देखना ये होगा कि दोनों विकास कैसे करते हैं। शुभ हो। कल किसी और का हुआ था, अभी तेरा हुआ है, कल किसी और का होगा। कैसी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, पर तू मत बदलना, तू जैसा है वैसा ही रहना। ऊपर वाला हमेशा तेरी रक्षा करे। हाँ। अरे अब क्या सोच रही हो माँ, तेरा बेटा MLA नहीं है, मिनिस्टर है, ठीक है ना? हंसते हंसते भेज मुझे, चलता हूँ। अरे वो वैसी ही है, तू जा। ओके बाय। ठीक है, ख्याल रखना। ये क्या हुलिया बनाया रे? अरे क्या हुलिया यार, हम अब ऐसे ही रहेंगे। हमें क्या तूने सामान्य इंसान समझा है? हम मिनिस्टर के दोस्त हैं, आगे होने वाले लीडर हैं, आगे बनने वाले कॉर्पोरेटर हैं, आगे बनने वाले MLA हैं। हाँ ये क्या, ये तूने क्या हुलिया बना के रखा है बे? क्यों बे? अरे आफ्टर ऑल मिनिस्टर के दोस्त है हम लोग, हम देख कितना बन ठन कर आए हैं और तू खुद को देख कैसे रेडी हुआ है। मैं मिनिस्टर बना हूँ लोगों की सेवा करने, शो शाइनिंग करने के लिए नहीं। अरे छोड़ ना यार, तुझे किसने मना किया, वो तो तेरा नसीब है ना। तू समाज सेवा कर और हम समाज में शो ऑफ करेंगे। हाँ। तब तक गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर CM की स्पेशल ड्यूटी करने आया हूँ, आप प्लीज मुझे काम करने का मौका दीजिए सर। सर
मैं दूसरे मिनिस्टर्स की तरह नहीं हूँ। एक अधिकारी के हाथों से अधिकार नहीं छीनता। आप पूरी तरह से आजाद हैं। आप अपनी ड्यूटी आराम से कीजिए। थैंक यू सर। आप उस मोटे को छोड़कर इन सब के साथ यहाँ आ जाइए सर। हाँ। मैं क्या बच्चा है। हे चिलमर, तू पीछे ही रहे। क्या काम कराना है? ट्रांसफर? ओह, आई थिंक प्रमोशन। प्रमोशन करवा देंगे। अरे टोपी क्यों उतार रहे हो? इतने सम्मान की जरूरत नहीं। रुक जाइए। बात क्या है पहले मुझे ये बताइए। सर आप चुप हो जाइए सर, मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ। मुझे अपना काम करने दीजिए सर। अभी तो बताइए क्यों मार रहे हो? सर हम लोग मिनिस्टर के दोस्त हैं ना। हाँ तो हमें पुलिस की कार चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, हमें भी सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा इन्होंने सीएम को लेटर लिखा है। मिनिस्टर होकर आपने सिक्योरिटी नहीं मांगा है और इन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। अगर दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, समझे? अच्छा वो तुम्हारे साथ जो मोटा था वो कहाँ गया? जिस वक्त आप हमारे पिछवाड़े सुझा रहे थे ना सर, वही देखकर वो फुल स्पीड में वहाँ से भाग गया। सर, अब उसने क्या किया? सर इन लोगों की बात तो ठीक है, लेकिन उस मोटे ने मुझसे कहा ठंडी का मौसम है, एक अच्छी सी लड़की देखकर आप मेरी शादी करवा दीजिए। ऐसा उसने सीएम को लेटर लिखा। सर ये लोग आखिर सीएम को क्या समझते हैं? अरे वो सीएम है, कोई मैरिज ब्रोकर नहीं। सब ऊपर वाले मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सुनो बदमाशो, अगर आज के बाद दोबारा ऐसा किया तो मैं उल्टा लटकाकर पैंट के अंदर चूहे छोड़ दूंगा। चलता हूँ सर। हमें मारकर उसे सैल्यूट कर रहा है। अबे चुप हो जा, नहीं तो वापस आ जाएगा। अरे वाह, मैं तो बच गया। एसीपी चला गया क्या? अबे तू भाड़ में जा बेवकूफ, हमने तो सिर्फ सिक्योरिटी और घर मांगा था ना। तुझे क्या जरूरत थी लिखने के कि शादी करवा दो, लड़की ढूंढ के दो? हे, तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने लिखा, मुझे जो चाहिए था मैंने लिखा। ऐसा है क्या? अरे अरे रंगोली कितना भाग्यशाली है तू, साक्षात सीएम ने लड़की का फोटो भेजा था एसपी के हाथों से। अच्छा कहाँ है, दिखाओ। हाँ दिखाते हैं। क्या मैडम ये क्या हो गया? मैंने आप पर भरोसा करके करोड़ों रुपये लगाए हैं, आपको पता है ना? आप इतना क्यों सोच रहे हैं? हमारी मैडम हार गई तो क्या हुआ, सरकार तो अभी भी हमारी है ना। हाँ साहब जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैडम अगर अधिकार में रहेंगी तो हमें भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। देखो मैंने सीएम सर से बात कर ली है, तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सिर्फ थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ 3 महीने, हम सब लोग मिलकर मैडम को MLC बनाने वाले हैं। उसके बाद सारे अधिकार मैडम के पास आएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है साहब जी, चलते हैं मैडम। चलते हैं मैडम, चलते हैं सर। अरे प्रथम, हमारे घर पर कोई बड़े मंत्री जी आए हैं। मैं अभी जाती हूँ और कॉफी लेकर आती हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, बॉनविटा प्लीज। अरे तू, तुम्हें कोई मान मर्यादा नहीं है? ये क्या भेस बना कर आए हो तुम लोग? रुक जा, मैं अभी तेरे लिए बॉनविटा लेकर आती हूँ। बॉनविटा चाहिए आंटी? परसों ACP ने मारा, मुझे लगा 1 महीने तक नहीं उठोगे। शर्म है कि नहीं तुम लोगों को? We don't care वाले हैं बे। एसपी क्या, कमिश्नर को भी बुला लो या फिर मिलिट्री बुला लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बेपरवाह लोग हैं। अच्छा गुरु, भगवान की कृपा से तू मिनिस्टर बन गया और हम लोग सब तेरे चट्टी दोस्त हैं, फिर हम सब लोग अगर शो ऑफ कर रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? अरे भाई देख, तुझ पर भरोसा करके हम पैसा वैसा तो नहीं बना सकते ना, कॉस्ट्यूम ही तो परचेस किया है, एक बार तो अंग्रेजों वाला शौक पूरा करने दे। हेलो डेप्यूटी मिनिस्टर सर। डेप्यूटी मिनिस्टर ही? वो क्या है ना कि जब से इलेक्शन हुआ है आप तो मुझे पूरी तरह से भूल गए हो। 10 मिनट में आना पड़ेगा। कहाँ पर सर? व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजती हूँ। हेलो, और आते समय ना अपने वो बंदरों को साथ में मत लेके आना, समझे ना? आता हूँ सर।
चाय कॉफी बॉनविटा पी के चले जाना, मेरी सीएम के साथ एक मीटिंग है, बाय। हेलो एक्सक्यूज मी, हम भी चलेंगे। ए, मेरी सीएम के साथ मीटिंग है, समझा? हमने कब कहा कि बाथरूम जाएंगे? हम भी मीटिंग में ही आएंगे। वैसे भी इसने विधानसभा नहीं देखा ये बोल रहा था, हम लोग इसको विधानसभा दिखाते हुए बिल्डअप लेंगे, तुम अपनी मीटिंग कर लेना। कुछ भी हो या नहीं हो सकता, मेरी मीटिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सीएम के साथ है, अकेले जाऊंगा। याद करो उस समय जब बिरयानी खाते थे तब सब साथ में होते थे, अब खाने के लिए अकेले जा रहे हो? ऐसा नहीं होगा, हम भी चलेंगे। बिल्कुल सही कहा बे। वो बिरयानी कैसे खाएगा, वो तो फुल वेज है। हमने मुहावरा बोला था, तू पागल ही है क्या? हम तुम्हारे साथ चलेंगे। एसीपी सर, अरे एसीपी भागो भागो। डेप्यूटी मिनिस्टर का नाम तो लिया था लेकिन यहाँ कोई नहीं है, लगता है कौवा उड़ के भाग गया। एसीपी का नाम चूहे की तरह भाग गए बे। तू छाती फुला कर खड़ा था बाहुबली की तरह, लेकिन जैसे ही नाम सुना सबसे पहले तू भागा। तू चल भाग। किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो सिक्योरिटीज, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए डरपोक, मेरे पीछे आओ सब लोग। फॉलो मी, फॉलो डीआरपी। अरे गाड़ी रोको, ये यहाँ ऐसे क्यों बैठी है? क्या हुआ माँ जी? क्या बताऊँ बेटा, कोई हमारी बात नहीं सुनता। 3 महीने हो गए ना हमें राशन मिला है ना चावल। राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड नहीं दिया, इसीलिए हमें चावल नहीं मिल रहे। मैं बहुत बूढ़ी हूँ बेटा, चल के नहीं जा सकती। कोई हमारी मदद नहीं करता बेटा, कोई नहीं। सर, नमस्कार सर। ये कौन है पता है? सर, लोगों की चुनी हुई सरकार है, लोगों की ही बनाई हुई योजना के लिए लोगों को तुम जैसे लोगों के पास आके घूमना पड़ेगा। सर, उन्होंने आधार कार्ड नहीं बनाया है इसलिए राशन रोका गया है। देखो इन्हें, चलने की ताकत नहीं है इन्हें, अब क्या रेंगते हुए आएगी तुम्हारे पास? पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए लोगों को आधार कार्ड देते हो और इन्हें देने में तुम्हें तकलीफ होती है। अब तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं, पर आधे घंटे में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, इन्हें राशन मिलना चाहिए। ठीक है सर, हो जाएगा। और इतना ही नहीं, सरकार ने जो तुम्हें गाड़ी दी है उसमें इन्हें घर छोड़कर आओ, समझे ना? समझ गया सर। ओके सर। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कर दिया है, आपका काम हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। तुम्हारा एहसान है बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आज का मेरा प्रोग्राम क्या है? मैडम आज सुबह 10 बजे विजयनगर में 13वें का फंक्शन है और गोट के पल्ला में बेगस स्कूल में ओपनिंग सेरेमनी है। मार्ग पल्ली में शौचालय अभियान चल रहा है, आपको उसके स्थापना के लिए बुलाया है। उसके बाद शाम को एक गांव में एक नामकरण है। ये सब क्या है, शौचालय, नामकरण, सेरेमनी, और कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है क्या? प्रथम जब से मिनिस्टर बना है तब से आपकी इज्जत और काम दोनों बराबर हो गए हैं मैडम। शट अप। आज मेरा मूड ठीक नहीं, सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो। ठीक है, गेट आउट। ओके मैडम। हेलो, सुनो, मेरे लिए एक इडली और एक डोसा भेजना। गुड मॉर्निंग मम्मी, आप क्या लोगी? क्यों बेटा, आज बाई नहीं आई क्या? एक्चुअली वो मैंने ही मना कर दिया, घर पर रहने वाले हम दो ही हैं, आप बिजी बोलकर हमेशा बाहर रहते हो, उनका बनाया हुआ खाना और कितने दिन खाऊंगी मैं? मेरे सारे दोस्त अपने घर पर ही खाना खाते हैं, तो बोलिए क्या चाहिए मम्मी? आज मैं तुझे खाना बनाकर खिलाऊंगी, खुश? आपको खाना बनाना आता है? वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आपको खाना बनाना आता है? रुक जा, मैं खिलाऊंगी। कितना मस्त है। बिना खाना बनाए और तुझे खाना खिलाए बिना तू बड़ी कैसे हो गई? जब तू 6 साल की थी तब तेरे पापा गुजर गए, तब से सारा बिजनेस, घर, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई।
इसीलिए मैंने तुझे कॉन्वेंट स्कूल में डाला, लेकिन तुझसे दूर भी नहीं रह सकती थी और तुझे पास भी नहीं रख सकती थी। उस बीच कितनी सारी मुसीबतें आईं, वो बस मुझे ही पता है। सॉरी मम्मी। मेरा प्यारा बंदर, आज मुझे माँ का प्यार मिला है। यू नो, मैं आज बहुत खुश हूँ।
क्या हुआ? बहुत थका लग रहा है तू बेटा। काम ज्यादा था माँ। देख ऐसे मत सो जा, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, तू यही बैठा। अट्ठाईस मिस्ड कॉल्स, लगता है कहानी खत्म। स्विच्ड ऑफ है, लगता है बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्या हो गया है। अभी जाकर मैटर सॉल्व करते हैं। अरे कौन हो तुम, कौन चाहिए तुम्हें? अरे बहुत टेंशन में हूँ, एक मिनट रुकिए। डार्लिंग, ऐसे कैसे घर में घुस आए? हाँ कौन हो तुम? डार्लिंग, डार्लिंग। ए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम्हारी बेटी को देखने आया हूँ। मेरी बेटी को? What nonsense? हेलो एक्सक्यूज मी, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या? मैं और आपकी बेटी एकदम वी आर एंगेज्ड, पर अभी तक रिंग नहीं पहनाई है। मुझे बता तेरी औकात ही क्या है जो मेरी बेटी तुझे पसंद करे। हेलो, मैं कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एमएलए कम मिनिस्टर, इस देश का नगीना हूँ। सिंहासन पर बैठा हुआ कुत्ता भी कुत्ता ही रहता है, और मेरे लिए तो वही है। हेलो, ये एमएलए, ये मिनिस्टर तुम्हारी बेटी से प्यार करता है, और वो भी मुझसे प्यार करती है। एक बात आप याद रखिए, मैं यहाँ का एमएलए हूँ और तुम्हारी बेटी मेरी एमएलए है, समझी नहीं क्या? माय लवली एंजल एमएलए। हाय। अरे देख तो, ये पागल कुछ भी बोले जा रहा है। एक्चुअली मम्मी मैं इससे प्यार करती हूँ। हाँ? व्हाट? प्यार? छी, मैं इसे कभी भी नहीं अपना सकती। तू मेरी बेटी से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। अब ये देखो, आ गई बीच में टांग अड़ाने। उसने हाँ कर दी है, मैंने हाँ कर दी है, जल्दी इसे मंगलसूत्र पहना दूंगा। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? क्या कह दिया डार्लिंग? मिनिस्टर बनने के बाद बहुत बिजी हो गया हूँ, चाहे तो मेरी सासू माँ को ही पूछ लो, ये टाइम पे मैं घर पे घुसा हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी, अब क्या करूँ? तुम्हारी बेटी का चेहरा नहीं देखा तो खाना नहीं जाता और नींद भी नहीं आती। अब से कोई भी कैबिनेट मीटिंग हो, दो रिंग में ही रिसीव कर लूंगा। अरे रिंग क्यों करती हो, मिस्ड कॉल दे देना। वैसे भी तुम्हारी माँ इलेक्शन हार चुकी है, सरकार ने मुझे फ्री फोन दिया है, मैं खुद फोन करूंगा। गुड नाइट डार्लिंग।
हेलो प्रथम। हेलो सर। मैं दिल्ली में हूँ। हाँ सर। बेंगलोर में बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है, मुझ पर बहुत सारी जवाबदारी रहती है, मेरे आने तक सब कुछ देख लेना। ठीक है सर। कुछ दिनों से जो भारी बारिश हो रही है उसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के रास्तों को नदी का रूप आ गया है। सारे जिले पानी में डूब चुके हैं। ये न्यूज में क्या दिखा रहे हैं? सारे रास्ते क्या आप स्विमिंग पूल बन गए हैं? आजकल यही प्रॉब्लम है। हाँ सर, नालों के ऊपर लोगों ने गैर कानूनी तरीके से घर बना लिया है, इसीलिए बारिश में पानी नहीं निकल पाता और रोड पर पानी भर जाता है। सर, बड़ी बड़ी नदियां भूमाप से लेआउट होकर कन्वर्ट हुई हैं। अब बची हुई नदियों का पानी कन्वर्ट करने के लिए पहले बिल्डिंग को तोड़ना जरूरी होगा। क्या आपने उन्हें नोटिस नहीं दिया है? सबको नोटिस दिया है सर। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ तो? नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। किसी और की गलती की सजा हम क्यों भुगते हैं? देखो, सबसे पहले वो क्लियर करो। ओके सर। नमस्ते कर्नाटका, ब्रेकफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। हमें खबर मिली है कि जेसीबी गाड़ियों से गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है, प्रथम पे धिक्कार है। धिक्कार है, धिक्कार है, प्रथम पे धिक्कार है। अबे तेरा घर टूट गया है, सिर्फ दरवाजा बचा है और तू यहाँ पर वीडियो बना रहा है? यहाँ पर दे नॉनसेंस बेवकूफ। कल जो बिल्डिंग तोड़ी गई उसके कारण 100 से 150 लोग बेघर हो गए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? धिक्कार है, धिक्कार है, प्रथम पे धिक्कार है। धिक्कार है, धिक्कार है, प्रथम पे धिक्कार है। धिक्कार है, धिक्कार है, प्रथम पे धिक्कार है ना। धिक्कार है, हमारा घर भी तोड़ दिया है। प्रथम पे धिक्कार है। दोस्त हूँ बताने के बाद भी सारे लोग दोस्त बताते हैं ऐसा बोलकर तोड़ दिया। हमें लगा था कि तुम हमारे दुख सुख को समझोगे। तुम्हें वोट देकर गलती की हमने। हमने तो आपके ऊपर भरोसा किया था। तुम जैसे आदमी पर भरोसा करके हमने वोट दिया और तुमने हमारा भरोसा तोड़ा। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बारिश की वजह से रास्ते खराब हो गए, सारे रास्तों पर पानी बह रहा है, पूरा जिला पानी में डूब चुका है। ये आप ही ने बताया था ना, लोगों की तकलीफ को समझकर जो बिल्डिंग अड़चन कर रही है उसे तोड़ रहे हैं, और अब सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है ऐसा बोल रहे हो? तो अब मैं क्या करूं? क्या सर, ये आप हमसे पूछ रहे हो? आप लोग सोसाइटी और समाज के लिए जिम्मेदार हैं। लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वही हम बताते हैं, आप लोगों को बस। आपने आपका अभिप्राय दे दिया, मेरा अभिप्राय भी सुन लिया, थैंक यू। सर, आपके ऊपर और एक इल्जाम है, आपने गरीबों का घर तोड़कर श्रीमंत मॉल और ऐश्वर्या लेआउट के ऊपर अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, ऐसा आपके ऊपर आरोप है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गलती गलती होती है, मेरे जिगरी दोस्त का घर भी टूटा है। इसका मतलब आपके सरकार ने नोटिफाई की हुई जगह पर इंटरनेशनल लेवल का मॉल भी है, क्या उसे भी तोड़ेंगे? कानून के सामने किसी ने भी गलती की, और तो और मेरे माँ बाप ने भी अगर गलती की तो उन्हें सजा मिलेगी। सर, फिर लोगों का क्या होगा? देखो, जिन लोगों ने घर खोया है हम सरकारी गेस्ट हाउस में उन सभी लोगों की रहने की व्यवस्था करेंगे, मैं वादा करता हूँ। इस वक्त सीएम साहब दिल्ली में हैं, उनके आने के बाद तुरंत इस पर चर्चा होगी और ये सारा प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करूंगा, ये मेरा वादा है। चलता हूँ। तू टेंशन मत ले यार, मैं सब ठीक कर दूंगा। बताइए, चुप क्यों बैठे हो? आरआर मॉल को क्यों नहीं तोड़ा? सर, वो मॉल एक्स मिनिस्टर राजेश्वरी देवी का है। ए, किसी का भी हो, मुझे उससे क्या करना है? सॉरी सर, एक्स मिनिस्टर राजेश्वरी के इस मॉल में उनके 20 MLA का शेयर है सर, और इसके अलावा ऊपर से भी बहुत प्रेशर है सर। किसने प्रेशर दिया तुम्हें? मैंने दिया है क्या? किसने दिया बताओ मुझे। सर, पॉलिटिकली ये बात नहीं पता सर, इसलिए जो भी हो मुझे उससे क्या, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। न्याय न्याय होता है और वो सबके लिए एक है, अगर तुम्हें तोड़ने का दम नहीं है तो तुम्हारे साथ मैं आता हूँ। चलो सर, गेट अप। देखिए माजी सचिव राजेश्वरी जी का जो आरआर मॉल तोड़ने की लिस्ट में है, अभी वो भी तोड़ने की कगार पर है। हमारे नगर व्यक्ति प्रथम जी कुछ ही देर में आ रहे हैं। सर, एक काम मैंने हाथ में लिया तो बिना पूरा किए नहीं रुकता हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और कानून का साथ दूंगा। अभी आपका खुद इस स्थान पर आगमन होने जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ, गलती गलती ही होती है और न्याय सबके लिए एक ही होता है। कानून के हिसाब से जो सही है मैं वैसे ही काम करूंगा। सर, इसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सब कुछ क्लियर है ना? यहाँ कोई नहीं है, सब क्लियर है सर। तो फिर किसका वेट कर रहे हो? चलो शुरू करो। ओके सर। ए, शुरू करो, शुरू करो।
स्टे ऑर्डर है सर। स्टे ऑर्डर? जानता है मैडम कौन है फिर भी इतना उड़ता है तू? देख लेंगे। इसका भुगतान तुम्हें जरूर करना होगा। सुनो, हम गरीबों का घर तोड़ना आसान था, अब इनका तोड़ के दिखाओ तो समझे। सर सर सर, जिन्होंने घर खोया है उनका घर होना चाहिए सर। यस आई नो, राजकार्य मतलब बस रास्ते ठीक करवाना, गड्ढे ठीक करवाना ही नहीं होता है बेटा। तू ये जो काम कर रहा है ना, उससे हमारे पक्ष को तकलीफ हो रही है। सर ये आप क्या कह रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। लोगों के लिए अच्छा करना है, ये उद्देश्य तेरा सही है, लेकिन सरकार चलाने के लिए हमें 100 के 100 MLA चाहिए होते हैं। अगर वो हमारे साथ नहीं रहेंगे तो सरकार कैसे चलाएंगे? अभी तेरी उम्र ही कितनी है, 27 का है, तो समझने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। राजकार्य मतलब कुछ और होता है, चल। इन लालचियों ने तो 150 करोड़ लूटे हैं, सब चोर हैं। नमस्कार मिनिस्टर साहब, आप तो मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम शरण है और ये मेरे साथी मंजू जी हैं, समकेली के MLA हैं और वो रमेश जी राशन मंडल के अध्यक्ष हैं। सर बहुत दिनों से हमारी फाइल आपके टेबल पर पड़ी है, जितनी जल्दी हो सके हमारा काम कर दीजिए। सर हम सब ना राजेश्वरी देवी के फॉलोवर्स हैं। तो तुम उनके फॉलोवर्स हो हा? तो तुम लोगों की वजह से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जिस काम की जरूरत नहीं है उस काम का बिल पास करवाया तुमने, जी भर के चोरी की है तुमने। तुम्हें पता है हमारे लोग टैक्स क्यों भरते हैं? ताकि सरकार उनका भला करे और उनकी मदद करे, पर तुम्हारी वजह से ये कहाँ हो पाएगा? टैक्स क्यों भरना है, इस सवाल का जवाब है उनके मेहनत की कमाई तुम लोगों के मुंह में जाती है। मैं तुम लोगों का कोई भी काम नहीं करूंगा, समझे तुम लोग? Get out! Get out! बाप रे बाप, परेशान हो गया, विपक्ष ने परेशान कर दिया। मैडम उस मिनिस्टर प्रथम ने हमारे सारे टेंडर कैंसिल कर दिए। मैडम आप पर और आपकी पार्टी पर भरोसा करके हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जरूरत पड़ने पर हमने पार्टी को फंड भी दिया। वो सब हमें नहीं पता मैडम, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए बस। तो इतने सालों से हमने पार्टी के लिए मेहनत किया है मैडम, ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारा क्या होगा? इस पार्टी में CM की कोई वैल्यू नहीं है, आपके बात की भी वैल्यू नहीं है, हम लोग क्यों इस पार्टी में रहेंगे? चलो चलो भाई चलो। सुनो शरण, अब इन 24 घंटों में मैं सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, अभी जाओ यहाँ से। सर रोहन जी का अभी अपॉइंटमेंट है, उन्हें अंदर भेजूं? हेलो। हाय सर। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। अ स्मॉल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन, माय नेम इज रोहन, आई एम MD ऑफ रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज फ्रॉम UK। मेरे डैडी राकेश कारण कर्नाटक में ही पले बड़े, बहुत साल पहले UK जाकर एक छोटे से ऑर्डर प्राइस से आज वो एक बहुत बड़े बिजनेस हाउस को लीड कर रहे हैं। मैं UK में ही पला बड़ा हूँ, लेकिन मैं एक इंडियन हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। तो सी ग्रेट हो। हम NRI लोग अपने देश के बारे में पता करते रहते हैं, स्पेशली अबाउट यू, यू आर यूथ आइकन ऑफ कर्नाटका। क्या बात है जी, बाहर रहकर आप यहाँ के लोगों के बारे में इतना सोचते हैं, तो उनकी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। बताइए क्या बताना चाहते हैं? वी हैव अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर बेंगलोर। देखिए मेरे डैडी ने UK के पाउंड में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस कमाया है, उनकी बस एक तमन्ना पूरी नहीं हो पाई है कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, मुझे उनके सपने को पूरा करना है। मैं अपने और अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वाह, एक आदर्श बाप के आदर्श बेटे हैं आप। हमारे देश के कितने लोग यहाँ पर पढ़ के फॉरेन में सेटल हो जाते हैं
और एक बार जो जाते हैं वो वापस लौटकर आते ही नहीं, और एक आप हैं जो वहाँ पढ़ के वहाँ कमा कर इस देश में वापस आए हैं यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। रियली ग्रेट, आई एम इम्प्रेस्ड। आपका कोटेशन कम है और क्वालिटी ज्यादा है, बट ऑन वन कंडीशन, इस प्रोजेक्ट में यहाँ के लोकल लोग काम करने चाहिए। मैं भी लोकल ही हूँ सर। ग्रेट, देन इट्स फाइन। थैंक यू सर। इतना इंटेलिजेंट पर्सन इतने जल्दी कैसे फिसल गया? ऐसे तो हजारों प्रोजेक्ट्स हैं मैडम, ये तो एक छोटा सा असाइनमेंट है, डाउट आने का तो कोई चांस ही नहीं है। गुड, वेरी गुड। देखो इस फाइल में प्रथम के बैंक डिटेल्स हैं। आपके कंपनी के अकाउंट से 2 करोड़ ट्रांसफर करने हैं। श्योर मैडम। हाँ या रोहन, कल इस बात के लिए केस भी हो सकती है, इंक्वायरी भी आ सकती है। डोंट वरी मैडम, रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनी आपकी वजह से इतनी बड़ी है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ओके बाय। मुंह बंद करके चुपचाप बैठ। सर मैंने क्या किया है? सर कौन सा काम कैसे करना चाहिए तुझे नहीं पता है? पुराने सारे टेंडर कैंसिल करके रॉयल कंपनी को जो तूने नया टेंडर बनाकर दिया है ना, 2 करोड़ रुपए तेरे अकाउंट में आ गए हैं ये पता चल गया है। सर 2 करोड़? सर आप भी ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं 1 रुपया रिश्वत नहीं लेता। ये डॉक्यूमेंट देख, तेरे टेंडर पास करने के बाद 2 करोड़ रुपए तेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। इससे तेरी इमेज भी खराब होगी, पार्टी की भी इमेज खराब होगी, मेरा भी नाम खराब हो जाएगा। ये बात मीडिया वालों को या फिर लोगों को पता चल गई तो मुझे ही तेरे ऊपर इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी। वेलकम मिस्टर प्रथम, वेलकम। ओ मिनिस्टर साहब, आप पहले बैठ जाइए ना। बैठ जाइए सर। ये सब आपने किया है ना? हाँ, तो इतने सालों से मेहनत करके बनाए हुए राज्य को और हमारी कमाई हुई इज्जत और शोहरत को कल का आया हुआ मामूली बच्चा लेकर जाएगा? ए। अरे कैसे छोड़ दूँ? इतना ही नहीं, मेरा घर, मेरी फूल सी प्यारी बच्ची तक बड़े आराम से पहुंच गया तू। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। नो, नेवर। देखिए, कानून के हिसाब से जो सही है मैंने वही किया। मुझे पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे पता है मिस्टर प्रथम कि आपने कोई गलती नहीं की है। रोहन को मैंने ही तेरे पास भेजा था। हे। तेरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर मैंने ही करवाया है, और ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं है ऐसा कहने के लिए कोई चांस नहीं छोड़ा है, क्योंकि लोग और मीडिया वाले प्रूफ मांगते हैं मिस्टर प्रूफ, और वो प्रूफ मेरे पास है। और कल ये प्रूफ मैं मीडिया को देती हूँ तो तुझे अरेस्ट भी किया जाएगा। मैंने कुछ किया नहीं ऐसा कह नहीं सकता तू, और इस इल्जाम से बरी होने के लिए तुझे कम से कम 5 साल लग सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने तुझे वोट दिया है ना, वो ही लोग तुझे बीच सड़क पर मारेंगे। तूने जो भी मुझे टॉर्चर किया है ना, समझ लेना ये उसी का बदला है। हर एक दिन पल पल तड़पता मरता रहेगा, और यही मैं चाहती हूं। ए, मेरी बेटी का फोन है, बात कर लेना। ये क्या है प्रथम? तुम्हारी मम्मी का दिया हुआ गिफ्ट। मुझे तुमने एक बात कही थी कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने ठीक से परवरिश नहीं की। लेकिन अभी तुम ये बोल रहे हो कि मेरी मम्मी ने मेरी परवरिश अच्छे से की, बल्कि सच कहूँ तुम ही बदल गए हो। यू हैव ऑल्सो प्रूव्ड दैट यू आर दी वन ऑफ दी पॉलिटिशियंस। हे चुप हो जाओ, समझे? स्टॉप प्रथम। Thank you.
आई हेट यू। क्या हुआ प्रथम बेटा, ऐसे शांत क्यों हो? क्या हुआ है? पता नहीं, पर इस जिंदगी से थक गया हूं गुरुजी। आ मेरे साथ चल। ये बच्चा कचरे की पेटी में मिला था, 12 साल से ऐसे ही सोया हुआ है, हाथ पैर दोनों नहीं चलते हैं। इस बच्चे के पिता भी नहीं है, मां भी नहीं है। अंतिम संस्कार होने के बाद इस बच्चे को शमशान में छोड़कर चले गए थे। इस बच्चे का पिता बच्चे की वजह से अपनी पत्नी को मारता था और आखिर में उसे ही मार दिया और फिर जेल चला गया, और ये बच्चा बिन मां के अनाथ हो गया। इस बच्चे को ठीक करने के लिए इसके माँ बाप ने अस्पताल में भर्ती किया था और वो कभी वापस नहीं आए। हम इन्हें यहां पर लाकर पाल रहे हैं। ये बच्चा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर मिला था, 15 सालों से ये बेड में ही अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ये बच्चा पैदा होते ही अपाहिज हो गया था, इसलिए इसके माँ बाप ने इसे बीच सड़क पर फेंक दिया। इस बच्चे को दिखाई भी नहीं देता, ऊपर से किडनी की समस्या है। ये बच्चा कितने दिन जिएगा भगवान भी नहीं जानता है। इस बच्चे को 16 साल हो गए हैं, जब से पैदा हुआ है तब से ही हार्ट की प्रॉब्लम है। इतना ही नहीं, इसके दिमाग की स्थिति भी सही नहीं है। यहाँ रहने वाले बच्चे इतने वीक हैं कि जिस जगह पर सोते हैं उसी जगह पर सुसु भी कर देते हैं। वो सब कुछ हम लोग ही साफ करते हैं। ये इन बच्चों की परिस्थिति है। ये जिंदगी भगवान ने दी है और इसे लेने का अधिकार भी उसी को है, इसलिए मैं इन सबको पाल रहा हूँ। इन सबको देखा ना, इन बच्चों से ज्यादा तकलीफ है क्या तेरी जिंदगी में? इंसान को जो चाहिए वो नहीं मिलता, इसलिए उस चीज के लिए वो निभा नहीं पाता, तो ये सब होना नॉर्मल बात है। इस वक्त मैं बहुत बड़े कष्ट से गुजर रहा हूं गुरुजी, क्या करूं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि दुख और सुख हमें आसानी से नहीं मिलते हैं। प्रथम, रामकृष्ण परमहंस की कही एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं, उससे तेरे दिल को एक समाधान मिल सकता है। आ। आकाश में घूमने वाले पक्षी ने समुद्र में तैरती एक मछली को देखा और उसे अपने मुंह में पकड़कर ऊपर भाग गया, और थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे पक्षी उसके पीछे आ रहे थे, और उस पक्षी ने अपनी जान बचाने के लिए मछली को छोड़ दिया और वो समुद्र में गिर गई। उसके बाद वो सारे कौवे उसके पीछे जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो पीछे देखता है कि सब शांत हो गए, और वो सोचता है कि मेरी जान बच गई, और फिर वो पक्षी उड़कर चला जाता है। और अभी ये जो पक्षी की परिस्थिति है ना, वही परिस्थिति तेरी भी है। परिस्थिति को संभालना पड़ेगा। वो मछली ही तेरा अधिकार है। जब तक वो अधिकार तेरे हाथ में रहेगा, तब तक खराब दिल रखने वाले कौवे तेरे पीछे आते ही रहेंगे। एक बात बताता हूं प्रथम, इंसान को जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए बदलना नहीं चाहिए, वैसा ही रहे जैसा तू है।
मुझसे गलती हो गई मैडम, आपने सही कहा था, मैं एक बच्चा हूँ। आपका लेवल क्या है ये जाने बिना गलती कर दी मैंने, आपको ही मुझे बचाना होगा मैडम। आज शाम को राज्यपाल को रेजिग्नेशन देने की सोच रहा हूं मैडम। आज के बाद मैं आपके सामने नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, आप जैसा कहेंगी वैसा करूंगा। आप सोच रही होंगी मैं ऐसा कहूंगा। टीआरपी कमान। यू नमस्कार। टीआरपी कौन है देख रही हो? डिक्टो रामन्ना का बेटा प्रताप। तेरे डायरेक्शन का नमूना जरा मैडम को तो दिखा। एक बार फिर से नमस्कार। इस पिक्चर का डायरेक्टर मैं हूँ, एक्टर आप हो, और अब देखिए आपके सामने पेश है ट्रेलर। मुझे पता है मिस्टर प्रथम कि आपने कोई गलती नहीं की है, रोहन को मैंने ही तेरे पास भेजा था, तेरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर मैंने ही करवाया है, और कल ये प्रूफ मैं मीडिया को देती हूँ तो तुझे अरेस्ट भी किया जाएगा। मैंने कुछ किया नहीं ऐसा कह नहीं सकता तू, और इस इल्जाम से बरी होने के लिए तुझे कम से कम 5 साल लग सकते हैं। मैडम वसुंधरा भी अगर मिल जाती ना तो भी हम नहीं छोड़ते उसको, आप तो एक सुपर स्टार हो, आपको छोड़ेंगे क्या? कैसा रहा मेरा डायरेक्शन, कैसा रहा तुम्हारा परफॉर्मेंस? इंटरनेट पे डाल देता हूँ। नहीं, स्टोरी पे तो डाल सकता हूँ ना। नहीं, डालने दो ना। लाए इधर। अगर गलती से ये वीडियो सोशल मीडिया पर चली गई तो आप बन जाएंगी ब्रेकिंग न्यूज, दिन के 100-150 कॉल आएंगे फ्रॉम मीडिया। पर मैं ये पोस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप मेरी सासू माँ हो, मैं आपकी बेटी का राजकुमार हूँ, राजकुमार और लक्ष्मी की जोड़ी है, आप क्यों आती हैं हमारे प्यार के बीच में? कॉम्प्रोमाइज कीजिए, छोड़िए ना। इसे रेजिग्नेशन समझा था? ये तो नाटक था। अपनी बेटी की मेरे साथ शादी कब कराओगी? साड़ी पहनी हुई लड़कियों को देखने के लिए दो आंख भी कम पड़ जाती हैं। साड़ी में लड़कियों को देखना ही नहीं चाहिए, नहीं तो दिल में बहुत दर्द हो जाता है। हाँ यार, साथ में रह के उसको साइलेंटली सिंक कर दिया है, और तेरा तापमान भी कंट्रोल में नहीं है। देखो भाई, ये लड़कियाँ हमेशा फल की तरह रहती है। कौन सी लड़की किस फल की तरह है, तू ही बता दे। ऐसा क्या? ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये पपैया, और वो तरबूज है। बिल्कुल सही कहा। देख टीआरपी, तूने ऑलरेडी एप्पल को बहुत दिनों से सिलेक्ट करके रखा है, इसलिए ये सब में तू मत पड़, हम ये तीनों फल को सिलेक्ट करते हैं। सुनो, आई लाइक फ्रूट सैलेड विद हनी। अरे क्या तुझे यहीं पर? अरे सब कुछ तू ही लेकर जाएगा तो हम क्या यहाँ लंगड़ी करेंगे? तू किसके लिए आया नहीं पता, देखो देख कार आ रही है। हेलो मैडम, आज के बिजनेसमैन और राज्य के लोग अपने शादी का समारोह बहुत ही बड़े लेवल पर करते हैं, लेकिन आप रजिस्टर ऑफिस में अपनी बेटी की शादी बहुत ही आसान तरीके से कर रही हैं, और आपका दामाद मिनिस्टर भी है, ये अचानक से बदलाव का क्या कारण है मैडम? ये हमारे दामाद की इच्छा है, उन्हें जिस तरह से शादी करनी है उस तरह से शादी हो रही है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। सुनिए मैडम, मैडम 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 मैडम, अरे आइए मैडम, आइए आइए मैडम, आइए मैडम, आइए मैडम, सब तैयार हो गई है, आइए। आपके समधी हैं। नमस्ते। नमस्ते समधन जी। भाई बात बहुत हो गई, अब टाइम हो गया है, पहले हार पहनाओ। हार डाल बेटी, ले ले ले, ये ले ले, डाल डाल। Thank you.
सर आपने इतने छोटे लेवल पर शादी क्यों की? गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं अन्याय के खिलाफ हूँ और अभिमानी भी हूँ, और हम लोग आम लोगों की तरह एक बहुत सरल तरीके से शादी कर रहे हैं। तो ये है सिंपल मैरिज स्टोरी। शादी सिंपल होनी चाहिए और जिंदगी बेहतरीन होनी चाहिए। ताली बजाओ। क्या बात है। ये सारे कार मैंने बेच दिए हैं, वो आकर ले जाएंगे। ये सारे पैसे अनाथ आश्रम में दे दो, पुण्य तो मिलेगा। इन्हें और इन कार को संभालने के लिए महीने के लाखों रुपए लगते हैं, और उसे कमाने के लिए सासू माँ उल्टे सीधे काम करती है और दूसरों के सिर पर हाथ रखती है। ये सब नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें रिटायर कर दिया है। इस एरिया की और यहाँ के लोगों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। आराम से बैठो, न्यूज देखो, दारू पियो, सब करो। तुम अच्छे से शेव करके पुलिस की नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे दो। हाँ? मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। सर, ये सुपर आइडिया है, कहाँ से निकाला? ए, चुप रहो, मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं है। अगर मैं इनको भगाऊंगा ना, तो ये ओलंपिक में भी मेडल ले आएंगे, है ना? तो अच्छे से शेविंग करके पुलिस में एप्लीकेशन दे देना। एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बनोगे तुम। चलो। और हाँ, आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे मेरे पास आइएगा या फोन कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है सर। अब तक जो तुम्हारी सासू माँ सांप बनकर बैठी हुई थी, उसको बड़ी आसानी से तुमने उठा दिया। सास की संपत्ति पर तो दामाद का हक होता है। मम्मी, पापा। क्या हुआ बेटा? पापा कहाँ हैं? वो कहाँ है मुझे नहीं पता। तो अर्जेंट है करके क्यों बुलाया तुमने? प्रथम, आ गए। प्रथम, ये मेरे को भी। तूने मुझे कितने जल्दी दादा बना दिया। मैं पापा बन रहा हूँ। ये मेरी जीत नहीं है, ये इसी की जीत है।